सो आज की क्लास में हम एक तो एरर हैंडलिंग पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्ट में एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने लॉगिन का फॉर्म बनाया था, लॉगिन की एपीआईज इंटीग्रेट की थी। और लॉगिन की एपीआई हमेशा तो सक्सेसफुल होंगी नहीं, कई बार हम गलत पासवर्ड डालेंगे तो एरर आएगा। तो वो एरर कैसे दिखाना है वो देखेंगे कि यूआई पे एरर डिस्प्ले कैसे करें। और उसके अलावा फिर हम आगे देखेंगे कि अब क्योंकि हमने लॉगिन वाला सिस्टम बना लिया है तो लॉगिन बेस्ड एपीआई है। कुछ एपीआई तो जैसे प्रोडक्ट्स हैं वो सबको सेम दिखने हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आपको दिख रहे हैं वही मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी कार्ट अलग चलेगी, आपने अलग लॉगिन कर रखा है, मेरी कार्ट में अलग आइटम होंगे, तो वो सब कैसे हैंडल होगा वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट द फर्स्ट टॉपिक विल बी एरर हैंडलिंग। और बट उससे भी पहले थोड़ा सा एक बार कंटेक्स्ट पे मूव करेंगे हम, जो हमने यूजर का जो ऑब्जेक्ट आ रहा था लॉगिन करने पे वो हम अभी प्रॉप्स में पास कर रहे हैं, और वो फिर वो प्रॉप्स वाली प्रॉब्लम आती है कि एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए वी विल यूज मूव इट टू यूजर कंटेक्स्ट। तो उसमें दो चार नई चीजें पढ़ेंगे साथ साथ और फिर तुरंत आएंगे एरर हैंडलिंग पे। तो चलो करते हैं शुरू। यहाँ पे थे हम कि हमने ये लॉगिन एपीआई का फंक्शन कॉल किया था, ईमेल और पासवर्ड भेजा था, और रेस्पॉन्स में जो आया था वो टोकन तो हम लोकल स्टोरेज में डाल दे रहे थे और ये सेट यूजर कॉल कर रहे थे। तो मैं पहले 2 मिनट थोड़ा सा इस बारे में बताऊं कि ये बैग डॉट प्रॉप्स की एग्जिट कहानी थी क्या। ये शायद मैंने उतना इस पर स्ट्रेस दिया नहीं, तो बात समझ आ गई होगी, बट फिर भी थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। देखो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विद फॉर्मिक फंक्शन कॉल करते हैं, ये एक एचओसी हमें देता है, वो एचओसी में हम ये लॉगिन फंक्शन पास कर रहे हैं। तो पहली बात तो तुम अक्सर इसको ना ऐसे लिखा देखोगे, इसको दो स्टेप में ना करके हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। विद फॉर्मिक कॉल करा, यहां से लेके यहां तक ये विद फॉर्मिक कॉल हो रखा है इस वाले पेरेंथेसिस से, इस वाले पेरेंथेसिस में, और उसी में आगे फिर एक और फंक्शन। तो बेसिकली मैंने अगर फंक्शन ए कॉल करा, इसको कोई एक्स वाई जेड इनपुट दी, पी क्यू आर इनपुट दी, और मान लो ए फंक्शन जो है वो एक और फंक्शन देता है, तो मैं इसके आगे एक और पेरेंथेसिस लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं ए फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मान लो मैंने इसको पास करा 10, तो मैंने 10 किसे पास किया है, ए के आउटपुट को। ए का आउटपुट एक फंक्शन है, मैंने पहले ए फंक्शन कॉल किया, उसको एक्स वाई जेड पी क्यू आर दिया, और फिर ए के आउटपुट में, ए के रिटर्न में जो हमें फंक्शन मिला उसको मैंने 10 दे दिया। तो हम कर ही सकते हैं। तो अक्सर ना तुम ऐसे लिखा देखोगे, और फिर ये इसको भी यहाँ पे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो मैं चीजें यूजुअली ना सिंपल तरीके से इसलिए लिखता हूँ कि समझ में ज्यादा आ जाए बिगनर्स को, बट अदरवाइज ये ना इतने सारे स्टेप्स में कोई नहीं करता। जब प्रोफेशनल हो जाओगे तो सीधा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विद फॉर्मिक, और विद फॉर्मिक का आउटपुट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा मैं, विद फॉर्मिक का आउटपुट एक एचओसी है, उस एचओसी को लॉगिन से कॉम्पोनेंट पास करके एचओसी ने जो कंपोनेंट दिया वो कंपोनेंट, तो मैंने इसको बस कंबाइन कर दिया है। अब यहां देखो है क्या, जहां भी हम यूज करेंगे लॉगिन तो यूज होगा नहीं, यूज क्या होगा वो कंपोनेंट जो ये एचओसी हमें देगा, राइट। तो जहां पे हम, ये बस आंखों का धोखा है कि हम सोच रहे हैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में हमने लॉगिन यूज कर रखा है, हम ये बात पहले कर चुके हैं कि ये लॉगिन कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा, जो हमने लॉगिन कंपोनेंट बनाया है ना, ये तो वो कंपोनेंट है जो हमने एचओसी को दिया और फिर एचओसी ने जो हमारे लॉगिन कंपोनेंट को मॉडिफाई करके दिया है, तो ये लॉगिन नहीं है। समबडी सेइंग समथिंग, ये आवाज कैसी थी, एनीवे तो हम ये वो वाला लॉगिन कॉल कर रहे हैं जो एचओसी से मिला हुआ है, हमारे वाला लॉगिन नहीं है। अब हम एचओसी को दे रहे हैं सेट यूजर, तो हम जितनी भी प्रॉप यहाँ पे एचओसी को दे रहे हैं, एचओसी के दिए हुए कंपोनेंट को दे रहे हैं, वो सारी की सारी ये फॉर्मिक इकट्ठी करता रहता है और उन प्रॉप्स को वो आगे लॉगिन को भी पास कर देता है, और साथ साथ में यहाँ पे एक बैग में डाल के भी दे देता है कॉल लॉगिन एपीआई फंक्शन को। बैग में, यहाँ पे इस बैग में वो प्रॉप्स मिलेंगी जो एचओसी के दिए हुए फंक्शन को हमने पास करी। तो यानी कि ये देखो कॉल लॉगिन एपीआई मैंने हैंडल सबमिट को दे रखा है ना, तो ये जो विद फॉर्मिक के थ्रू
थ्रू आया हुआ कंपोनेंट है, वो हम ऐप डॉट जे एस एक्स में यूज कर रहे हैं, उसको सर, जो भी हाँ प्रॉप्स हम दे रहे हैं। सर, वो रेड सर्कल नहीं दिख रहा है? नहीं सर, ओके अब दिख रहा होगा। यस तो सर, सो आई वाज सेइंग कि जो भी हम यहाँ पे सेट यूजर को दे रहे हैं, जो भी हम प्रॉप्स लॉगिन कंपोनेंट को देंगे, ये पहुंचेंगी पहले एचओसी के पास, क्योंकि एचओसी का कंपोनेंट यूज हो रहा है, ना कि एक्चुअल लॉगिन कंपोनेंट। एचओसी उन प्रॉप्स को आगे लॉगिन कंपोनेंट को भी पास कर देगा, और वो इस कॉल लॉगिन एपीआई को भी वो सारी प्रॉप्स देगा। एक सेकेंड पैरामीटर में बैग, एक फॉर्मिक बैग है ये, इसकी डेटा टाइप अगर देखोगे तो इट्स अ फॉर्मिक बैग। अभी डेटा टाइप क्या होती है आगे टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इस वेरिएबल का नाम बैग रख दिया था। तुम इसका नाम एक्स्ट्राज रख लो, इसमें वैल्यूज आ रही हैं और बाकी कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है। मेटा बोल दो इस वेरिएबल को, कुछ भी बोल दो। बैग मैंने इसलिए बोला था बिकॉज फॉर्मिक बैग, फॉर्मिक इसको बैग बोलता है, जो फॉर्मिक लाइब्रेरी है वो लोग इसको बैग बोलते हैं। ये फॉर्मिक बैग है, इस फॉर्मिक बैग में प्रॉप्स भी हैं और उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। राइट, मेक सेंस? तो और ये जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, इसको जो इस वाले लॉगिन कंपोनेंट को प्रॉप्स दी गई वो तो मिलती ही है, और साथ में फॉर्मिक कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देता है, ऑन हैंडल सबमिट वैल्यूज एरर्स टच्ड। हमारा वाला तो लॉगिन कंपोनेंट बहुत सारी प्रॉप ले रहा है, राइट? ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो ये थोड़ा सा मैंने इस चीज पे स्ट्रेस डाल दिया, क्योंकि ये भी हम इसी तरह का कुछ और भी आगे यूज करने जा रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, इसको मूव करते हैं यहाँ से, ये सेट यूजर, सेट यूजर का गेम हटा के प्रोवाइडर पे और उस पे कंटेक्स्ट पे। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, मैं गया ऐप कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में जाके यहाँ मैंने कहीं ऐप कंपोनेंट के ऊपर किसी अलग फाइल में भी कर सकते हो, यहाँ मैंने बना लिया कॉन्स्ट यूजर कंटेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट, ठीक है, इसको कैपिटल कर लेते हैं, नेम ऑन नॉमन फ्यूचर है, नॉट दैट इट मैटर्स। यूजर कंटेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट, एंड फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अब मैं रैप कर दूंगा यहाँ पे, सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक डिप गया हुआ है, तो सभी को रैप कर देते हैं, क्योंकि यूजर का ऑब्जेक्ट पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। और लॉगिन को भी, हाँ तो देखो इतने सारे कंपोनेंट्स में यूज हो रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको पूरे में ही यूजर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये मैंने, और इसको नीचे क्लोज कर दिया। तो ये ऊपर ओपन किया, नीचे क्लोज, अब सब इसी के अंदर आ गया, तो सबको मिल जाएगा डेटा। एंड वैल्यू में मैंने यहाँ पे ये यूजर और सेट यूजर दे दिया, ठीक है, यूजर सेट यूजर, ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना के इसको दे दूंगा, यूजर कॉमा सेट यूजर। तो ये डबल कर्ली ब्रेस किस लिए है, पहला कर्ली ब्रेस वैल्यू दे रहे हैं, दूसरा कर्ली ब्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहा है, यूजर की में यूजर की वैल्यू, सेट यूजर की में सेट यूजर की वैल्यू, राइट, पुरानी कहानी। अब हमने ऐसे कर दिया, और अब जितनी भी जगह पे यहाँ हमने ये यूजर इक्वल टू यूजर का रखा है, लॉगिन को सेट यूजर इक्वल टू यूजर का रखा है, यूजर राउट को यहाँ, ये इतना सारा, इतनी प्रॉप्स पास करनी पड़ रही थी, और भी कहीं था शायद, नहीं था, हो गया उस जगह क्लियर, शायद ठीक है। तो ये मैंने सब हटा दिया, अब जिसको जरूरत है वो क्या करे, कंटेक्स्ट से निकाल ले, राइट? बट हम हर जगह पे कंटेक्स्ट की जगह हम एचओसी यूज करना चाहेंगे, क्यों, अभी हम आएंगे उस पे, बट फिलहाल चलो ऐसे कर लेते हैं कि ये सेट यूजर और यूजर अब यहाँ इसको नहीं मिलने वाला,
एक तरीका तो क्या है, हुक वाला यूज कंटेक्स्ट, और ये यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट मैंने वहां से एक्सपोर्ट नहीं किया। यूजर और यहाँ मुझको कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर, अब ये मिल गया, बाकी का काम तो वैसे ही रहेगा। अब ये सेम कोड मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ लिख दिया, जैसे इसमें थी जरूरत लॉगिन में थी, तो लॉगिन में जाके भी मैंने यहाँ पे यूजर कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट नहीं ले रहा, अच्छा सॉरी, इसकी जरूरत है यूजर राउट में, तो यूजर राउट में जाके भी मैंने सेम इंफॉर्मेशन लिख दी। अब इसको यूजर का ऑब्जेक्ट प्रॉप्स में नहीं मिलेगा, सेट यूजर उसको चाहिए ही नहीं, तो ये उतना ही डिस्ट्रक्चर कर रहा है जितने की जरूरत है, ऐसे सिर्फ यूजर ही चाहिए, सेट यूजर नहीं चाहिए। और ये यूजर कॉन्टेक्स्ट हम इम्पोर्ट कर लेंगे, इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट, यूजर राउट ऑथ राउट में भी जरूरत है, यहाँ भी यूजर का ऑब्जेक्ट प्रॉप्स में नहीं मिलेगा, यहाँ भी सेम चीज, इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब एक जगह पे और जरूरत है यूजर के ऑब्जेक्ट की, और वो है लॉगिन। लेकिन लॉगिन में लॉगिन कंपोनेंट को जरूरत नहीं है, लॉगिन कंपोनेंट के बाहर ये फंक्शन बना होगा कॉल लॉगिन एपीआई, इसको जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है बैग डॉट प्रॉप्स डॉट सेट यूजर, यहाँ जरूरत है, यहाँ कैसे पहुंचाएं भाई। ठीक है, देखते हैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले अभी के लिए लॉगिन को डायरेक्टली ही दे देते हैं, बाकी सब तो ले रहे हैं वही इंफॉर्मेशन कंटेक्स्ट में से, और लॉगिन को हम दे रहे हैं डायरेक्ट, सो इट मेक्स नो सेंस भैया, ये भी फिर वहीं से ले, लेकिन अभी के लिए सेट यूजर इक्वल टू सेट यूजर, इसको पहले की तरह अभी डायरेक्टली देते हैं, अभी आके इसको फिक्स कर रहे हैं 2 मिनट में, और ये देखते हैं कि पूरा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यूज कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे यूज कंटेक्स्ट भी तो इम्पोर्ट करना था, जहाँ पे हमने ऐड किया है यूज कंटेक्स्ट, तो ये मैंने रिएक्ट में से यूज कंटेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। आज इसको हटा के देखो ना, उस दिन तो चल नहीं रहा था इसके बिना, लेकिन चल जाता है ये, लेकिन वो वाला कोड नहीं है, वहां से आया हुआ रेपलेट से, तो एक बार एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट हटा दिया मैंने, और यूजर राउट में भी कंटेक्स्ट इम्पोर्ट कर दिया मैंने, और एक तीसरी जगह पे था वहां पे तो शायद हमने ऑलरेडी हो ही गया था, तो लेट्स रीलोड इट। देखो उस दिन नहीं चल रहा था लेकिन आज चल रहा है, तो नॉर्मली चलता है। अब वो रेपलेट वाले कोड में क्या कहानी है वो मैं देख के ही मतलब पता नहीं, करना पड़ेगा उसको ध्यान से, रेपलेट से जो कोड डाउनलोड होता है वो कुछ कुछ सेंसेस में थोड़ा तो उसका सेटअप वियर्ड है, तो मैंने इम्पोर्ट रिएक्ट, देखो यहाँ पे भी इम्पोर्ट रिएक्ट ने लिख रखा इम्पोर्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, बट उस दिन एरर आ रहा था तो मैं उसको नेगलेक्ट भी इसलिए कर रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं उस दिन पड़ रहा था उस रेपलेट वाले कोड में। एनीवे तो देखो अब पूरा ऐप वैसे का वैसे ही चल रहा है, मैंने क्या पासवर्ड बनाया था उस दिन उसको ध्यान भी नहीं है। और अच्छा बाय द वे, ये जो अभी हम कोर्स में बाद में बैकएंड भी पढ़ेंगे, और आज मुझको पक्के से याद दिला देना, मुझको कोर्स का रोड मैप बताना है थोड़ा सा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी जब तुम बैकएंड पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि बैकएंड पे ना डेटाबेसेस होते हैं अलग अलग तरह के, और उसमें एक डेटाबेस होता है SQLite,
जो कि ना प्रोडक्शन के लिए नहीं होता, बैकएंड पे मतलब मोबाइल ऐप में यूज कर सकते हो लेकिन बैकएंड पे एसक्यूएलआईट यूज नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ एसक्यूएलआईट यूज कर रखा है क्योंकि ये बस डमी एपीआई बनाएंगे तुम लोगों की टेस्टिंग, ताकि तुम प्रोजेक्ट बना बना के देख पाओ। तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से हमारा डिप्लॉयमेंट सेटअप है, जब भी हम नया कोड पुश करेंगे वो डेटाबेस उड़ जाएगा। तो तुम अकाउंट बनाओगे और तुम अपना कार्ट में आइटम आइटम ऐड करोगे, और हर दूसरे चौथे दिन डेटा उड़ता रहेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, दोबारा पोस्टमैन पे क्लिक करके साइन अप कर लो, दोबारा से आइटम कार्ट में ऐड कर लेना। तो मतलब बस बता रहा हूँ कि कभी कोई सोचे कि यार मैंने तो अकाउंट बनाया था वो काम क्यों नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे वही शायद हो गया है, डेटा उड़ गया तो मैं दोबारा से अपना अकाउंट बना लूँ। पोस्टमैन ओपन कर रहे हैं, मैं साइन अप वाली एपीआई पहले से यहाँ पे मेरी सेट हो ही रखी है, साइन अप और बॉडी में प्रशांत @kodyogi.io। क्या हो रही है इसमें, डेटा कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। ईमेल, अच्छा है, सॉरी ये हटेगा कैसे, ऊपर स्क्रॉल हो रखा था इसलिए नहीं दिख रहा था, इसको हटाने का डिलीट का बटन आया तो था। अरे क्या होता नहीं था, ठीक है मैं दोबारा से अकाउंट बना लेता हूँ। अकाउंट बन गया, अब इस अकाउंट से लॉग इन हो जाएगा। prashant@kodyogi.io, पासवर्ड यहाँ पर नहीं था, सेट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट भाई, क्या यार ये ना, फिर भाई साइन अप तो हो गया, प्रशांत तो बंद कर दिया था उस दिन मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए दूसरा अकाउंट बनाया था, तो ये वो कहानी है, क्या होता रहता है। चलो अब मैंने अकाउंट बना लिया सही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ, तो लॉगिन हो गया राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ, बीच बीच में मैंने अकाउंट उस दिन बनाया था वो टूट गया, क्योंकि डेटाबेस बीच बीच में साफ होता रहेगा तो तुमको बार बार अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ ये लो सेव कर लेना चाहिए था मुझको, चलो अब कर लेंगे। तो अब ये लॉगिन हो गया तो सब कुछ काम कर रहा है जैसा कर रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हैसल समझो। अब हम इसको एचओसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं यूज कंटेक्स्ट की जगह, वो हमको दो फायदे देगा। एक तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको ना लॉगिन की जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमको ना वहाँ पे सेट यूजर प्रॉप में देना पड़ रहा है, अब भी वो कंटेक्स्ट से उठा नहीं पा रहा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ में जो एक और प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि उसको यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मुझको यूजर राउटर में चाहिए यूज कंटेक्स्ट, यूजर कंटेक्स्ट कॉन्स्ट यूजर, ये इतना यहाँ ये लिखो, यूजर कंटेक्स्ट भी इम्पोर्ट करो, यूज कंटेक्स्ट भी इम्पोर्ट करो। उसमें क्या होगा, कॉम्पोनेंट को प्रॉप में ही मिलेगा, बस एक एचओसी में रैप करना पड़ेगा कॉम्पोनेंट को, तो एक इम्पोर्ट एचओसी में रैप एंड दैट्स इट। तो चलो ये तो इतना बड़ा झंझट नहीं है कि दो इम्पोर्ट तीन इम्पोर्ट करने कुछ लाइन लिखना पड़ रहा है ज्यादा, बट ज्यादा बड़ा ज्यादा अच्छी बात ये है कि हमारा कॉम्पोनेंट हो जाएगा टेस्टेबल। देखो अभी हमारा कंपोनेंट प्योर नहीं है, क्यों प्योर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉप पे काम नहीं कर रहा, ये अंदर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मंगा रहा है। अगर आप यूज स्टेट यूज कंटेक्स्ट कुछ भी यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं इंटरनल स्टोरेज से डेटा यूज कर रहे हो, तो जो आपका आउटपुट है, जो भी आप आउटपुट देते हो, वो आउटपुट इस अंदर की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपके अंदर की इंफॉर्मेशन में यूजर नल निकला तो आप नेविगेट रिटर्न करोगे, वरना चिल्ड्रन रिटर्न करोगे। एंड आई विल कम टू दिस कॉम्पोनेंट एज वेल कि एग्जैक्टली अभी कैसे काम कर रहा हूँ, उतना स्ट्रेस नहीं दिया था पिछली क्लास में इस पर। तो प्रॉब्लम आ रही है समझ की क्या, जैसे डैशबोर्ड ही है, अब ये डैशबोर्ड का जो यहाँ पे वेलकम यूजर डॉट फुल नेम, तो वेलकम प्रशांत लिखा आएगा या वेलकम सुरेश या वेलकम रमेश, ये प्रॉप्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो प्रॉप में तो ये कुछ ले ही नहीं रहा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि कंटेक्स्ट में क्या है। तो ये ना प्योर कॉम्पोनेंट नहीं है, प्योर होने के ना टेस्टिंग में भी फायदे हैं, परफॉर्मेंस में भी फायदे हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको ज्यादा, तो इसलिए वी वॉन्ट टू गो विथ प्योर कॉम्पोनेंट्स 100% ऑफ द टाइम। तो यूज कंटेक्स्ट यूज स्टेट सबसे बचना चाहते हैं, तो एक तो वही रीजन है एचओसी यूज करने का, और एक और जो रीजन है कि ये लॉगिन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम यूज कंटेक्स्ट एनीवे कर भी नहीं सकते, यूज कंटेक्स्ट या समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये कॉम्पोनेंट के अंदर नहीं है, हम कॉम्पोनेंट से बाहर है ये। ये हमने विद फॉर्मिक एचओसी यूज किया था तो ये फंक्शन बाहर है,
तो अब क्या करें, हम देखते हैं, हम बनाएंगे एक नया HOC विद यूजर डॉट JSX। ये विद यूजर क्या करेगा, इतने सारे कंपोनेंट हैं जो यूज कंटेक्स्ट यूजर कंटेक्स्ट यूज कंटेक्स्ट यूजर कंटेक्स्ट कर रहे हैं, वो काम ये करेगा। तो मैंने बनाया है यहाँ पे फंक्शन विद यूजर, और ये विद यूजर क्या करेगा, एक कंपोनेंट लेगा और एक ये हो गया इसका इनकमिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे हो जाएगा इसका कॉन्स्ट आउटगोइंग कंपोनेंट। आउटगोइंग कंपोनेंट यहाँ पे कॉन्स्ट से नहीं बनाना, तो मतलब फैट एरो से नहीं बनाना, तो यहाँ पे फंक्शन ही बना लेते हैं। सॉरी, अब तो खैर तुमने तो फैट एरो पढ़ लिया है। आउटगोइंग कंपोनेंट, और ये आउटगोइंग कंपोनेंट क्या करेगा, आउटगोइंग कंपोनेंट ये करेगा, ये प्रॉप्स लेगा, और प्रॉप्स लेके इट विल रिटर्न इनकमिंग कंपोनेंट ओनली, बट विद अ डिफरेंस। एक तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉप्स आगे भेज देगा। तो अभी तो ऐसे ही, आउटगोइंग कंपोनेंट और इनकमिंग कंपोनेंट में कोई फर्क ही नहीं है। आप आउटगोइंग कंपोनेंट कॉल करो तो वो इनकमिंग कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये आउटगोइंग कंपोनेंट एक काम और करेगा, कॉन्स्ट यूजर कॉमा सेट यूजर इक्वल टू यूजर कंटेक्स्ट यूजर कंटेक्स्ट। तो जो हम हर कंपोनेंट में कर रहे थे वो अब बस हमने विद यूजर HOC के आउटगोइंग कंपोनेंट में कर लिया, और वो आउटगोइंग कंपोनेंट इसको आगे पास कर दे रहा है। यहाँ और फिर हमारा जो HOC है वो रिटर्न कर दे रहा है आउटगोइंग कंपोनेंट। एक बार तो HOC का रिवीजन हो गया होगा। HOC क्या करता है, इनकमिंग कंपोनेंट लेता है और इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। ऐसे कैसे लग रहा है इसको कि इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, कैपिटलाइज हो गया कंपोनेंट्स के नाम है कैपिटलाइज, लेकिन फिर भी इसको ये दिखाना नहीं चाहिए था, वेरिएबल तो यहाँ पे यूज कर ही रखा था। एनीवे, तो इनकमिंग कंपोनेंट ले रहा है और मैं इसको कैपिटल ही कर लेता हूँ, आउटगोइंग कंपोनेंट दे रहा है, और ये मैंने HOC एक्सपोर्ट डिफॉल्ट विद यूजर। तो जब भी हमें कंपोनेंट किसी कंपोनेंट में, तो ये देख रहे होगे, एक तो ना कंपोनेंट्स के ज्यादातर नाम विद से, HOCs के नाम ऐसे यूज होते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि हमारे कंपोनेंट यूजर का ऑब्जेक्ट डिमांड करें लेकिन देने वाले को देने ना पड़े बार बार, तो हम ये विद यूजर यूज करेंगे, देखेंगे अभी। बट ये समझ आ गया होगा, इनकमिंग कंपोनेंट ले रहा है, एक आउटगोइंग कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है, और आउटगोइंग कंपोनेंट इनकमिंग कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है। ऐसी कोई बिल्कुल डिसकनेक्टेड नहीं है कि इनकमिंग में कुछ लिया और आउटगोइंग में बिल्कुल ही कुछ अलग दे दिया। हाँ, आउटगोइंग इज कनेक्टेड टू इनकमिंग, पढ़ चुके हैं पहले, रिटर्न कर दिया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, जिस जिस कॉम्पोनेंट को कंटेक्स्ट की जरूरत थी, जैसे डैशबोर्ड, अब ये यूजर कंटेक्स्ट यहाँ ये इम्पोर्ट किया, यहाँ ये इम्पोर्ट किया, इसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, विद यूजर, भैया आ जाए जल्दी से, ऑटो कंप्लीट विद यूजर, और ये विद यूजर की वजह से यहाँ हमको यूजर का ऑब्जेक्ट या सेट यूजर दोनों ही मिलेंगे, जो चाहिए निकाल लो, नहीं चाहिए सेट यूजर छोड़ो, ठीक है। अब ये देखना जरा, डैशबोर्ड इज एक्सपेक्टिंग यूजर का ऑब्जेक्ट इन द प्रॉप, बट ऐप डॉट JSX को यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा यूजर का ऑब्जेक्ट। रिवीजन कोई नई बात नहीं है, बट बात समझ आ गई होगी कि यहाँ हम कहाँ यूज कर रहे हैं, डैशबोर्ड या
डैशबोर्ड को यूजर का ऑब्जेक्ट चाहिए प्रॉप में, बट हमको देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि हम जो डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं वो आउटगोइंग डैशबोर्ड है, जो एचओसी के बाद मिला है, और जो एचओसी के बाद वाला जो डैशबोर्ड है विद यूजर के बाद, विद यूजर के आउटपुट में जो मिला है वो यूज कर रहे हैं हम। तो जो आउटपुट में मिला है उसको यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो तो यूजर का ऑब्जेक्ट खुद निकाल लेता है और निकाल के इनकमिंग को दे देता है। तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड दिया और हमको आउटगोइंग डैशबोर्ड मिला है, तो हम लॉगिन कंपोनेंट में आउटगोइंग डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं, सॉरी उसमें ऐप कंपोनेंट में, ऐप डॉट जे एस एक्स में आउटगोइंग, और आउटगोइंग को यूजर नहीं चाहिए। आप आउटगोइंग को यूजर मत दो, इनकमिंग को यूजर तब भी मिल जाएगा, यही एचओसी का काम होता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, देखो ये भी जो फालतू का गंदा काम है ना, वो हमने इस बंदे के भरोसे छोड़ दिया कि भैया तुम हो इम्प्योर, इनकमिंग हमने प्योर कर लिए। देखो अगर कंटेक्स्ट में से डेटा निकलना है, एपीआई से डेटा मंगाना है, तो हम कह रहे हैं यार ये इम्प्योर काम है, इसको करने के चक्कर में ना हम बिल्कुल शुद्ध नहीं रह जाते कि इनकम इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड नहीं करता, मूडी हो जाते हैं हम थोड़े, तो इसलिए हम वो काम नहीं करना चाहते। तो ये बेचारा सबका बोझा ये ढो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा डैशबोर्ड प्योर हो गया, ठीक, और हम अब यूजर राउट जो है इसमें भी यही काम करेंगे। यहाँ पे अभी भी ये नहीं है, अब रिएक्ट लिखना पड़ेगा, मैं लिख दिया मैंने विद यूजर में, अब भी शायद अब तो पड़ेगा शायद, क्योंकि जेएसएक्स यूज कर रहे हैं तो। बट अगर कुछ और इम्पोर्ट कर रखा है रिएक्ट मॉड्यूल से कुछ, तो यहाँ पे रिएक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। विद यूजर, यूजर राउट, तो यहाँ ये यूजर कंटेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बट ये विद यूजर तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ये भी नहीं हुआ तो इम्पोर्ट अब हो गया। और ऐसे ऑथर आउट में विद यूजर, एंड इसके बाद यहाँ से उड़ा दो, अब तो इसको प्रॉप में मिलेगा यूजर, उस वाले में भी ठीक करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ वापस में अपन यूजर में जाके भी, अब यूजर में यूजर राउट में यहाँ इसको यूजर, अब इससे क्या हुआ, वो लॉगिन वाली प्रॉब्लम भी, एक तो सारे कंपोनेंट प्योर हो गए हैं, दैट्स द एडवांटेज, बिग एडवांटेज। टेस्टिंग आसान हो जाएगी जब हम यूनिट टेस्टिंग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले और उसके अलावा एक और जो एडिशनल एडवांटेज है, मुझको यहाँ भी पास नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्या ऐसा होएगा कि मैं, देखते हैं क्यों नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। देखो ये जो फॉर्मिक का आउटपुट विद फॉर्मिक से एचओसी मिला और उस एचओसी को मैंने लॉगिन पास किया, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये विद फॉर्मिक इज नॉट एन एचओसी, मैंने बोला था इसको सुपर एचओसी बोल लो या एचओसी क्रिएटर बोल लो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ना, वार लैंग्वेज तुम भावना समझ जाना, मैं जब बोलूंगा विद फॉर्मिक इज एन एचओसी तो समझ जाना मेरा मतलब है विद फॉर्मिक एचओसी क्रिएटर है। पहले विद फॉर्मिक कॉल करते हैं, फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन को कॉल करते हैं, वो जो विद फॉर्मिक को कॉल करके फंक्शन मिलता है वो है एचओसी, बट लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसी को एचओसी बोलता रहूंगा, भावना समझ लेना थोड़ी। तो हमने लॉगिन तो दे रखा है विद फॉर्मिक एचओसी को, और विद फॉर्मिक एचओसी का आउटपुट जो है उसे जो जो प्रॉप मिलती है वो हम वो बैग में डाल देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये ऐसे समझो कॉन्स्ट फॉर्मिक लॉगिन, ये तो था लॉगिन, ये था फॉर्मिक लॉगिन, अभी तक मैंने इसी को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का रखा था, लिख थोड़ा अलग तरीके से रखा था लेकिन यही तो हो रखा था, फॉर्मिक लॉगिन, ये फॉर्मिक लॉगिन एक्सपोर्टेड था, ये हो रखा है ऐप डॉट जे एस एक्स में यूज। अगर इसको सेट यूजर मिलता है तो ये बैग में डाल देता है, बट अगर इसको सेट यूजर मिलेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे विद यूजर में,
एक और एचओसी में, एक एचओसी के आउटपुट पे एक दूसरा एचओसी लगा दिया विद यूजर हुआ आउटपुट इंपोर्ट या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मिक लॉगिन खुद एक एचओसी से आया है, उसको मैंने विद यूजर में डाल दिया। और यहाँ अब ये जरूर समझना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पहले विद यूजर एचओसी लगाया उसके बाद विद फॉर्मिक एचओसी लगाया, तो लॉगिन कंपोनेंट को तो विद यूजर यूजर का ऑब्जेक्ट पहुंचा देगा, लेकिन फॉर्मिक को तो नहीं पहुंचेगा, फॉर्मिक तो बाद में है, समझे। पहले डेटा आएगा, पहले कॉल होगा फॉर्मिक, फॉर्मिक के बाद कॉल होगा विद यूजर। अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूंगा विद यूजर, तो क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है लॉगिन पे लगाया हमने विद यूजर एचओसी, और विद यूजर एचओसी के आउटपुट पे लगाया हमने विद फॉर्मिक एचओसी। तो जो वहां ऐप ऐप में यूज होगा वो क्या यूज होगा, विद फॉर्मिक एचओसी का आउटपुट। तो विद फॉर्मिक फॉर्मिक वालों को तो, फॉर्मिक को तो वही डेटा मिलेगा ना जो वहां से पास किया जा रहा है app.jsx, और यहाँ आप मैं कुछ पास करने वाला नहीं। तो एचओसी के पास यूजर नहीं, ये फॉर्मिक के पास यूजर नहीं पहुंचेगा। जब फॉर्मिक के पास यूजर नहीं पहुंचेगा तो वो बैग में कैसे डाले, जो बैग हम कॉल लॉगिन एपीआई में यूज कर रहे हैं, वो तो नहीं डाल पाएगा जब उस तक पहुंचा ही नहीं। विद यूजर, यूजर का ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट में से निकाल के देखगा तो सही, बट वो सीधा लॉगिन कंपोनेंट को मिलेगा, विद फॉर्मिक को नहीं मिल पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यही एचओसी उल्टे ऑर्डर में लगा रहा हूँ, पहले विद फॉर्मिक एचओसी लगाया, उससे मुझे फॉर्मिक लॉगिन मिल गया, फॉर्मिक लॉगिन पे मैंने विद यूजर लगा दिया, तो अब विद यूजर यूजर का ऑब्जेक्ट देगा फॉर्मिक लॉगिन को, और फॉर्मिक लॉगिन उसको आगे लॉगिन को भी पास कर देगा और बैग में भी डाल देगा ताकि कॉल लॉगिन एपीआई भी यूज कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ मुझको बैग में से bag.props.setUser मिल जाएगा, यूजर भी मिल जाएगा, सेट यूजर भी मिल जाएगा, तो बट यहाँ पास नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो अभी भी चीजें वैसी की वैसी ही चलेंगी। मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया, लॉग आउट पे क्लिक किया, लेकिन लॉग आउट का क्लिक काम नहीं किया। लॉग आउट बटन कहाँ बना रखा है हमने, डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड हैंडल लॉग आउट सेट यूजर, अच्छे तरह यहाँ पे सेट यूजर भी चाहिए, यहाँ पे हमने सेट यूजर भी कर रखा है, तो डैशबोर्ड तो दोनों यूज करेगा, यूजर भी और सेट यूजर भी। अब इसको जरा रोल आउट करते हैं, लोकल स्टोरेज से तो हट ही गया था, तो लॉग आउट तो हो गया था लेकिन ऐप रिफ्रेश नहीं हुई थी क्योंकि ये सेट यूजर कॉल नहीं हो पा रहा था। तो अब देखो जरा, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन भी नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा जरा ये भी देख लें, फिर से इनवैलिड क्रेडेंशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ और टाइप कर दिया था, कोड योग हो गया, योगी की जगह चलो तो हो गया लॉगिन, ठीक है। तो सब कुछ सही काम कर रहा है, लॉगिन भी सही काम कर रहा है, लॉगआउट भी सही काम कर रहा है, बट हम मूव कर गए हैं एचओसी पे, राइट। तो हमारे कंपोनेंट्स हो गए हैं प्योर। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं कोड को, बट उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो। ये मैंने कल क्या किया था, थोड़ा सा एक बार उसको जस्ट इन केस समझना आया। देखो ये यूजर राउट जो है ये क्या कर रहा है, प्रॉप में यूजर ले रहा है, चिल्ड्रन ले रहा है। अगर यूजर का ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है तो भैया यूजर राउट तो यूजर ही एक्सेस कर सकता है, ये वो राउट्स हैं, वो वाले यूआरएल हैं जो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर एक्सेस कर सकता है, उनको हम बोलेंगे यूजर राउट। तो अगर यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम तुम्हें यूजर राउट एक्सेस नहीं करने देंगे, लॉग इन पेज पे नेविगेट कर देंगे, पहले लॉग इन करो फिर आना। बट अगर यूजर का ऑब्जेक्ट है तो हम चिल्ड्रन दिखा देंगे। अब ये जो कंपोनेंट है, समझना इस बात को, ये बिल्कुल नॉर्मल कंपोनेंट है, ये कोई एचओसी वेचओसी नहीं है यूजर राउट। ये देखने में थोड़ा सा एचओसी जैसा उस सेंस में लग रहा है कि यूजर राउट राउट ही रिटर्न करता है जो उसको चिल्ड्रन में, ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम बटन कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, हमने बटन कॉम्पोनेंट यहाँ बना रखा है ना। हाँ ये देखो, ये बटन कॉम्पोनेंट क्या करता है, चिल्ड्रन लेता है और वो छोटे वाले बटन को चिल्ड्रन में पास कर देता है। हमने डॉट 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 की हेल्प से कर रखा है, यहाँ पे भी लिख के कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बटन कंपोनेंट था, कि बटन कंपोनेंट छोटा बटन कंपोनेंट रिटर्न कर देता था। ऐसे ही यूजर राउट क्या करता है, यूजर राउट को चिल्ड्रन में आप जो भी दोगे ये वो रिटर्न कर देता है, यूजर राउट को चिल्ड्रन में आप
राउट नहीं, सॉरी, कोई कंपोनेंट देते हो, जैसे यूजर राउट को हमने यहाँ पे दिया डैशबोर्ड, तो उसने डैशबोर्ड रिटर्न कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, दोनों चीजों में फर्क समझो। ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट की तरह यूज हो रखा है। इसको यहाँ पे चिल्ड्रन में ऐसा जरूरी नहीं है ना हाय हेलो ही लिखा जाए, कोई HTML भी लिख सकते हैं ना। जैसे बटन के चिल्ड्रन में हम टेक्स्ट लिखते हैं, डिव के अंदर हम दूसरे डिव हेडिंग वेडिंग सब कुछ लिखते हैं, बल्कि बटन के अंदर भी आइकन वाइकन हम दूसरे स्पैन कुछ भी यूज कर ही सकते हैं। तो ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में कुछ HTML भी तो यूज हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक टैग यूज कर रखा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिव भी यूज कर सकता हूँ, भी यूज कर सकते हो, राइट? किसी भी ओपन और क्लोज टैग के बीच में आप कुछ भी HTML लिख सकते हो। तो ये जो मैंने HTML लिखा, ये HTML यूजर राउट के चिल्ड्रन में पहुंच जाएगा। ये तो रिएक्ट के कंपोनेंट की बेसिक कहानी है कि आप जो भी कंपोनेंट के ओपन और क्लोज टैग के बीच में लिखते हो, वो चिल्ड्रन में पहुंच जाता है। ये अपने चिल्ड्रन को रिटर्न कर दे रहा है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये देखो चिल्ड्रन को ये करने को, ऐसे भी कर सकता है कि ये अपने चिल्ड्रन को रिटर्न करे लेकिन एक डिव में डाल के करे। और डिव पे ये क्या करे, ये देखो क्लास नेम इक्वल टू पैडिंग 10 पिक्सल बीजी रेड 500। अब ये देखना, यूजर राउट में हमने किसको रैप कर रखा है, डैशबोर्ड को। जब इस बार हम डैशबोर्ड पे जाएंगे लॉगिन करके, तो जब इस बार हम लॉगिन करके जाएंगे, सेव हो जाओ भाई, बार बार टाइप करना पड़ता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो देखो ये ना पूरा का पूरा रेड में दिख रहा है, चिल्ड्रन। ऐसे नहीं भाई, अब तुमको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मैं उसको डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहा था, बट अब अगर मैं JSX के अंदर देखो ऐसे समझना, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ ए, राइट? तो जहां पे भी आप यूजर राउट देखोगे आपको क्या दिखाई देगा, आपको 10 दिखाई देगा, ए की वैल्यू इज 10। बट अगर मैं यहाँ पे इसको एक डिव में डाल दूं, अब 10 दिखाई नहीं देगा, अब ए दिखाई देगा डिव के अंदर ए। सेव कर लूं मैं इसको, ठीक है, लेट मी रिलोड इट। अब ये ए दिखाई दे रहा है, इतना क्या फर्क हो गया डिव लगाती, डिव लगाती JSX शुरू हो गया। तो JSX के अंदर दिस विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। ऐसा समझो ना, डिव लगाते ही नहीं, तुम यहाँ पे डबल कोट लगा दो तब भी तो कुछ चेंज हो ही गया ना। डिव तो फिर भी बड़ी चीज है, डबल कोट ही सब कुछ चेंज कर देता है, राइट? पहले ये ए वेरिएबल था, डबल कोट लगाते ही ये एक स्ट्रिंग हो गई थी, अब वेरिएबल है फिर से। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ पे ना, पहले जो चिल्ड्रन था वो चिल्ड्रन वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न हो रही थी बिना डिव के, जब मैंने ये डिव नहीं लगाया था, JSX शुरू नहीं किया था, तो चिल्ड्रन वेरिएबल की वैल्यू, और चिल्ड्रन वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, डैशबोर्ड टैग। यूजर राउट के अंदर हमने डैशबोर्ड टैग दिया था, तो वो चिल्ड्रन में डैश लगाया था, तो यहाँ डैशबोर्ड टैग रिटर्न हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने डिव के अंदर डाला यहाँ पे चिल्ड्रन, तो वो तो टेक्स्ट बन गया, अब यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा आने लग गया। सेव रिटर्न, अब यहाँ चिल्ड्रन लिखा आने लगे। अगर हम चिल्ड्रन लिखना नहीं चाहते, चिल्ड्रन की वैल्यू यूज करना चाहते हैं, तो JSX में वेरिएबल की तरह ट्रीट करना हो तो कर्ली ब्रेस लगाना पड़ता है। अब चिल्ड्रन की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, अब चिल्ड्रन टेक्स्ट नहीं बचा, एक वेरिएबल हो गया है। तो अब रिटर्न रिलोड करो, तो देखो यहाँ गया, वेलकम भी लिखा आ रहा है, लेकिन वेलकम का कलर भी रेड ही है और उसका कलर भी रेड है, तो मैं इसको रेड की जगह ब्लू कर देता हूँ। फिर रिलोड करते हैं, खुद से क्यों रिलोड और करना पड़ता है। वेलकम प्रशांत चौधरी लोकअप। तो ये देखो क्या किया है इसने, यूजर राउट अब अपने चिल्ड्रन को ऐसे रिटर्न नहीं कर देता, चिल्ड्रन को एक डिव में डाल के रिटर्न करता है। पहले वो डायरेक्टली चिल्ड्रन, और ये डिव में, डिव की वजह से ये ब्लू कलर आ रहा है चारों तरफ। तो ये तो यूज राउट तो जो है एक नॉर्मल कॉम्पोनेंट है, बिल्कुल नॉर्मल कॉम्पोनेंट। दिस इज नॉट
ये तो हम बहुत सारी जगह करेंगे, ठीक है, इस तरह की चीज। तो जैसे मान लो मैं ना एक, इसको कार्ड बोलते हैं HTML की दुनिया में, इस तरह की चीजें देखी होंगी तुमने, हमने भी बनाई है, यूज करी है, जो एलिवेटेड सी दिखती हैं, ये उठा उठा सा हवा में ऐसे, इसको कार्ड बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, राउंडेड होता है, और राउंडेड के साथ साथ इसमें शेडो लगी होती है। अब अगर हमको इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कार्ड में दिखानी है, कभी किसी की प्रोफाइल कार्ड में दिखानी है, कभी कोई डेस्टिनेशन दिखानी है कार्ड में, कभी किसी की प्रोफाइल दिखानी है कार्ड में, कभी कुछ करना है, तो मैंने एक कार्ड कॉम्पोनेंट बना लिया। अब वो HOC नहीं है, नॉर्मल कॉम्पोनेंट है, थोड़ा सा फर्क समझ में आना ना बहुत जरूरी है। तो मैंने कार्ड कॉम्पोनेंट बना लिया। ये कार्ड कॉम्पोनेंट क्या करता है, एक डिव इसने लगा रखा है, क्लास नेम इक्वल टू बॉर्डर, नहीं बॉर्डर की इसको जरूरत नहीं है, राउंडेड MD, शेडो MD, पैडिंग टू, और बाकी तो बस चिल्ड्रन। तो ये नॉर्मल एक कंपोनेंट है, बस ये कंपोनेंट क्या करता है, आप इसको जो भी दोगे HTML, ये HTML को ऐसे एक डिव के अंदर दिखा देता है, ठीक है। तो और अब जरा अगर इसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, ये मैंने इसलिए किया कि ये विड्थ जो है कंटेंट के हिसाब से लेने लग जाए बस। अब ये देखते हैं जरा, अब मैं कहीं पे भी कार्ड यूज करूंगा तो कार्ड तो एक नॉर्मल कंपोनेंट है, आप चाहो तो खाली कार्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन खाली कार्ड को ना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पूरी इसको मैंने थोड़ा सा कलर ग्रे दे देता हूँ, बीजी ग्रे 300, ताकि आपको कार्ड वार्ड दिखे। सो ये देखो, ये छोटा सा यहाँ पे कार्ड दिख रहा होगा, खाली कार्ड है तो वो खाली तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब इधर थोड़ी सी पैडिंग फाइव और लगा देते हैं। सो हियर इज आर कार्ड, ये रहा कार्ड। लेकिन ये कार्ड दिखे इसके लिए जरूरी है, बल्कि इसमें कार्ड में ना बैकग्राउंड वाइट और करें, मैं तुमको इम्पोर्टेंट है इसीलिए इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये रहा मेरा कार्ड, ठीक है। अब ये कार्ड खाली है, खाली कार्ड को क्या करोगे दिखा के, तो ये कार्ड का कॉम्पोनेंट का काम ही है, जो भी आपको कार्ड में दिखाना है, कोई इमेज दिखानी है, कोई कुछ दिखाना है, तो एक कार्ड बना के रख लिया। अब पूरी ऐप में जहां भी आपको कार्ड वाला डिजाइन यूज करना है ये करो। अब मान लो आपको एक कार्ड चाहिए जो कि 400 पिक्सल विड्थ का हो, और जिसमें तो यहाँ पे मैंने डिव बनाया और इसको क्लास नेम दे दिया इक्वल टू W 400, मतलब एक साइड पर्टिकुलर विड्थ भी दे दी, और इसके अंदर फिर मैंने IMG टैग लगाया तो इमेज दिख जाएगी कार्ड के अंदर, एक हेडिंग लगा दूंगा तो हेडिंग भी दिख जाएगी। अब मेरे ऊपर है कि मुझे कंटेंट क्या दिखाना है कार्ड में, ये बाहर वाला, तो जो भी अंदर आप इसको HTML लोगे, उस HTML को, ये कार्ड को आप जो भी चिल्ड्रन में HTML दे रहे हो, ये उस चिल्ड्रन को बस एक डिव में डाल के रिटर्न कर दे रहा है, ठीक। तो समझ आ जाएगा अभी 2 मिनट में मैं क्यों इस चीज पे इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ। SRC इक्वल टू, यहाँ मैंने कोई भी मान लो URL दे दिया, ये दिख जाएगा कार्ड में। इसको कहा हो गया भाई, यूजर ऑफ यूज कॉन्टेक्ट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजर ऑफ एज इट इज अनडिफाइंड, ये कहा मैंने कर दिया,
विद यूजर नेम यूज कॉन्टेक्स्ट कुछ बढ़ा दिया था मैंने यूजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ इस बीच में मैंने कहीं यूज किया नहीं है कार्ड में तो मैंने कहीं यूजर कॉन्टेक्स्ट नहीं किया। एक सेकंड इतने सेकंड में कहाँ गड़बड़ है भाई। ऑल आई हैव डन इज कार्ड यहाँ से शुरू यहाँ खत्म एच वन यहाँ से शुरू यहाँ खत्म आई एम जी इतने से मैं कहाँ क्या कमाल है यार वो ही कोड चल गया कुछ तो ये हो ये होगा पता नहीं हमें। ठीक है तो अभी देखो कार्ड बन गया राइट। अब इस कार्ड में आपको इमेज दिखानी है टेक्स्ट दिखाना है जो करना है कंपोनेंट बना के रख लिया जब जब भी कार्ड दिखाना है। बट ये कार्ड की कुछ प्रॉपर्टी है कि उतना ही राउंडेड दिखेगा सारे कार्ड पूरी ऐप में शेडो भी उसी तरह की दिखेगी। यहाँ पे शेडो दिखने दिया अड़ गया इसके साथ वरना इतनी चपको हल्की सी शेडो दिखती इस साइड मतलब किसी दिखी रही है। और पैडिंग भी उतनी ही है ये उतना ही ऊपर से चारों तरफ से उतनी ही जगह लेगा। आप चाहो तो उसको भी फ्लेक्सिबल बना सकते हो कि नहीं पूरी लास्ट तक दिखाओ किसी को देना होगा स्पेस तो दे लेगा नहीं देगा वट एवर। ठीक है तो आपने कार्ड तो अब देखो ये समझो कार्ड कॉम्पोनेंट इज अ नॉर्मल कॉम्पोनेंट ये प्रॉप में बहुत सारी चीजें ले रहा है साथ में चिल्ड्रन भी ले रहा है और चिल्ड्रन JSX है। चिल्ड्रन में क्या होता है किसी भी टैग के अंदर जो आप लिखते हो वो क्या होता है या तो प्लेन टेक्स्ट होता है ये HTML होता है JSX जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये JSX ले रहा है JSX रिटर्न कर रहा है तो ये तो कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट क्या होता है कोई भी फंक्शन जो JSX रिटर्न करे दिस इज रिटर्निंग JSX। ये बहुत सटल सा डिफरेंस है इसको समझ लेना कि बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहे। ये प्रॉप्स लेके प्रॉप्स में आप इसे कुछ भी पास कर सकते हो हाय हेलो जो मर्जी दो हाय नाम की प्रॉप में हेलो दे दो वो पहुंच जाएगा इस तक। और साथ में एक प्रॉप तो सारे के सारे कंपोनेंट लेते ही हैं वो है चिल्ड्रन कि आप ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में कुछ लिख दो वो कंपोनेंट तक पहुंच जाता है तो वो चिल्ड्रन भी ले रहा है। और चिल्ड्रन एक ऐसी प्रॉप है जिसमें यूजुअली या तो टेक्स्ट दिया जाता है या HTML दिया जाता है ओपन और क्लोज टैग के बीच में या तो टेक्स्ट ही लिखोगे कोई हाय हेलो लिख दोगे यहाँ हाय। इस केस में अब चिल्ड्रन क्या हो गया टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट नहीं दे रहे हो तो फिर कोई ना कोई टैग दोगे तो यहाँ पे मैं टैग HTML दे रहा हूँ। तो ये प्रॉप्स ले रहा है और JSX या HTML रिटर्न कर रहा है तो ये तो नॉर्मल कंपोनेंट है। और ऐसा ही कंपोनेंट बिल्कुल कार्ड जैसा ही कंपोनेंट विद यूजर है सॉरी विद यूजर नहीं यूजर राउट। ये यूजर प्रॉप ले रहा है चिल्ड्रन प्रॉप ले रहा है और देखो HTML रिटर्न कर रहा है हर केस में। अगर यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी इसने HTML रिटर्न किया और यूजर का ऑब्जेक्ट है तब भी बस अलग अलग HTML रिटर्न किए। ऑन द अदर हैंड विद यूजर जो है ये HTML रिटर्न नहीं कर रहा ये तो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिस फंक्शन को कॉल करोगे तो HTML मिलेगा। ऐसा फंक्शन जिसे कॉल करने पे HTML मिले वो क्या होता है HTML या अगेन JSX वो क्या होता है कंपोनेंट। तो ये आउटगोइंग कंपोनेंट तो है कंपोनेंट विद यूजर कंपोनेंट नहीं है विद यूजर तो कंपोनेंट दे रहा है एक कंपोनेंट लेके एक नया कंपोनेंट दे रहा है तो दिस इज HOC। तो कई बार थोड़ा सा ना यूजर लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। ठीक यूजर राउट क्या करता है समझ आ गया होगा। तो ये हमने ना यूजर राउट को देखो ऐसे यूज किया था पहले मैंने ना एक पिछली क्लास में मैंने क्या किया था यूजर राउट इसी की जगह पे बना लिया था लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी शायद मैंने बताया था या नहीं बताया था कि जो राउट्स कंपोनेंट है ना रिएक्ट राउटर का ये इसको डायरेक्टली अपने अंदर राउट ही चाहिए। इसको ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए जो राउट देता हो इसको डायरेक्टली राउट चाहिए। तो उस वजह से वो एरर आ गया था तो मैंने तुरंत फिर चेंज कर दिया था इसको इस तरीके से कर लिया था कि जहां जहां जो कंपोनेंट सिर्फ ऑथ बिना लॉगिन के दिखने चाहिए उनको ऑथ राउट में डाल दो और जो सिर्फ लॉगिन करके दिखने चाहिए उनको यूजर राउट में डाल दो
और जो लॉगडिन वालों जो जो लॉगडिन वालों को भी दिखेंगे और नॉन लॉगडिन को भी दिखेंगे, उनको डायरेक्टली एलिमेंट में डाल देंगे। ठीक है, इसी चीज को हम एक एचओसी से भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा दूंगा, बट फिर मैं ये भी बता दूंगा कि वाई आई फील किया ये ठीक है, इस तरह के केस में भी देखेंगे। बल्कि और बेटर सॉल्यूशन तो वो था जो मैं पहले करना चाह रहा था, बट इसने करने नहीं दिया, तो सीधी कुछ और वर्क अराउंड भी हो सकता है, पिछले वर्जन्स में करने देता था रिएक्ट राउटर। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि हमको ना एरर हैंडलिंग करनी है, तो चलो पहले उसको करते हैं और फिर कोड थोड़ा और क्लीन अप करेंगे। तो एरर हैंडलिंग जब हमें करनी है तो उसके लिए पहले तो हमको एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो एरर दिखाए, लेट्स कॉल इट अलर्ट डॉट जे एस एक्स, अलर्ट्स बोलते हैं जो उनको ऊपर जो पॉपअप्स आते हैं स्क्रीन पे ऊपर यूजुअली, अभी समझ आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं आया इमिडिएटली समझ तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ। अलर्ट कंपोनेंट का अच्छा सा सुंदर सा HTML CSS कहीं से चुरा लेते हैं, टेलमेंट CSS अलर्ट, बहुत सारे ये क्रिएटिव टीम वाला फ्री है पेड़ देख लेते हैं, ऐसे हैं बहुत सारे, सिर्फ HTML चाहिए कुछ। टेलवेंड UI का अलर्ट देखें फ्री है क्या, फ्री है तो कोड दिखाओ भाई। कॉपी HTML और यहाँ पे ये देखो क्या है एरर, ज्यादातर इसलिए आ रहे हैं शायद कि क्लास इक्वल टू की जगह क्लास नेम इक्वल टू करना पड़ेगा, एक इसकी वजह से भी आ रहे होंगे कि ऊपर कमेंट और नीचे कमेंट। ठीक है, अब इसमें क्लास इक्वल टू की जगह क्लास नेम इक्वल टू कर देता हूँ इस पूरी फाइल में, फाइंड एंड रिप्लेस क्लास इक्वल टू क्लास नेम इक्वल टू एंड कहाँ होता था इसमें ध्यान नहीं कि रिप्लेस ऑल कैसे है, तो मैं एक एक करके कर देता हूँ, हो गए ठीक है। तो देखो यहाँ एक सेकंड दिखने में कैसा था, मैंने कुछ कर लेते थे कॉपी कर लिया, ऐसे है ये कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा एरर होगा तो इसका कलर चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे एरर लिखा आएगा कुछ और होगा तो वो होगा, तो यहाँ पे वार्निंग लिखी आएगी, सक्सेस होगा तो ग्रीन कलर से सक्सेस, तो आइकन बदलेगा, कलर बदलेगा, ये बदलेगा और ये मैसेज बदलेगा। ये डिटेल तो मैं हटा रहा हूँ, ये डिटेल कुछ करता भी है नहीं, और डिसमिस बस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, HTML कॉपी पेस्ट किया है, आप उसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो डिजाइन। ठीक है, तो अब मैंने कंपोनेंट तो बना लिया, अब इस कंपोनेंट में यहाँ पे एक तो जो मैसेज आ रहा है ये मैसेज हमेशा ये तो आएगा नहीं, हरिकेन वार्निंग इन दिस एरिया, यहाँ पे तो आएगा लॉग इन फेल्ड, क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड डोंट मैच, एरर, जो भी कुछ एरर आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख लिया है इसमें अभी हमने अलर्ट कंपोनेंट तो बना लिया, अब इस कल अलर्ट कंपोनेंट को प्रॉप में क्या क्या मिलेगा, एक तो मैसेज, क्या मैसेज दिखाना है, एक टाइप। ठीक है, कि टाइप एरर है, वार्निंग है
या सक्सेस है, उसके हिसाब से इसका कलर दिखना है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने वार्निंग के लिए ये SVG यूज कर रखी है, IMG टैग में इसकी जगह रिएक्ट आइकन यूज करूंगा। ठीक, अब देखना शुरू करते हैं। इफ टाइप, बाकी तो सब नॉर्मल कहानी है, कुछ इसमें फालतू क्लास लगी हुई होंगी जो तुम्हारे फिलहाल खास काम की नहीं, तो तुम अपने हिसाब से डिजाइन करना है, इस डिजाइन पे ध्यान मत दो, डिजाइन तुम्हें खुद करना है। ठीक है, तो इफ टाइप इज इक्वल टू, यार मैं भूल जाता हूँ, हमने ट्रिपल इक्वल टू पढ़ा है आज तक? कभी भी नहीं पढ़ा है, हम अभी डबल इक्वल टू से काम चलाते आ रहे हैं। पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा? चलो तो अभी टॉपिक से नहीं भटकते, डबल इक्वल टू से भी चलेगा काम, पढ़ लेंगे। टाइप अगर वार्निंग है तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, लेट कलर एंड लेट आइकन। अब इनको मैं, अगर वार्निंग है तो कलर हो जाएगा BG येलो 400, ठीक है, बल्कि अभी दो ही सपोर्ट कर लेते हैं, बहुत वर्ड लिखना पड़ेगा, वार्निंग तुम खुद ऐड कर लेना। BG ग्रीन 400 कर लेता हूँ मैं, सक्सेस। एल्स इफ टाइप इक्वल टू, आगे हम देखेंगे कि प्रॉप्स को डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दी जाती है, तो हम मान के चलेंगे अगर आपने सक्सेस नहीं बताया तो मोस्ट वेलकम को सक्सेस या एरर बोल देते हैं। इफ टाइप है एरर, दो तरह के होंगे, सक्सेस और एरर, तो कलर इक्वल टू, एरर का कलर जो होता है वो रेड। अब शेड वेड अपने हिसाब से सुंदरता डिजाइनर देगा, उस हिसाब से बना लेना। और आइकन, इस वाले केस में आइकन हो जाएगा रिएक्ट आइकन, इसमें हमने इंस्टॉल कर रखा है या नहीं पता नहीं, अगर रखा होगा तो कर लेंगे एक बार। पैकेज डॉट जेसन चेक कर लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन रिएक्ट आइकन्स है, तो रिएक्ट आइकन का एक तो टिक वाला यूज कर लेते हैं, कोई भी यूज कर लो जो भी अच्छा लगे, AI आउटलाइन इस पर क्लिक करो तो कॉपी हो ही जाता है। आइकन का नाम बस मैंने यहाँ, क्योंकि इसमें मैं कंपोनेंट का नाम यूज कर स्टोर करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको कैपिटल आई कर लिया। अब ये मुझको इंपोर्ट और करना है, इंपोर्ट AI आउटलाइन सर्कल फ्रॉम रिएक्ट आइकन स्लैश AI, राइट? और अगर सक्सेस नहीं है तो आइकन हो जाएगा क्रॉस वाला या डेंजर वाला, डेंजर MD आउटलाइन डेंजर यूज कर लेता है। अब ये अलग जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट आइकन स्लैश MD, जो AI से शुरू है वो स्लैश AI से शुरू होंगे, जो MD से शुरू है स्लैश MD से इम्पोर्ट होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कहाँ लगा रखी थी इन्होंने वो इमेज, जहाँ वो इमेज लगी हुई थी वहीं हमको, और वो कलर भी कहाँ लगा रखा था इन्होंने, दिमाग लगाने की इच्छा नहीं होगी, मैं देख लेता, चलो वहीं देख लेता हूँ कि इन्होंने, कोड में जाते हैं, इमेज MR3 वाले में इमेज है, उसी पे क्लास है, MR3 वाला जो डिव है, मुझे लगता है यही होगा,
यहाँ पे एक सेंसिटिव के अंदर यहाँ पे तो आ जाएगा आइकन, जो भी आइकन आपने यूज किया। और अच्छा, उस हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज होना है। लेट टेक्स्ट यहाँ पे लेट हेडिंग, तो यहाँ हेडिंग हो जाएगी। और इसको मैं भी एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, जब इस तरह से होने लगे तो। क्योंकि इसमें ना हमको एक और भी ऐड करना पड़ेगा, इफ सक्सेस, इफ एरर, इफ वार्निंग, तो उससे बचने के लिए सक्सेस। अच्छा, बल्कि इसकी तो जरूरत भी नहीं है हेडिंग की, तो उसको ना, क्योंकि हेडिंग और वो तो एक ही है मैसेज, हेडिंग और टाइप। तो यहाँ आइकन हमने लगा दिया, यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पे मैंने क्लास दे दी, कलर वाली क्लास। एंड यहाँ वार्निंग की जगह आ गया टाइप, और यहाँ आ गया मैसेज। ठीक है, तो हमारा अलर्ट कंपोनेंट बनके तैयार है। अब इसको सबसे पहले कर लेते हैं टेस्ट। उसके लिए हमने टेस्ट राउट बनाई थी, बट वो शायद इसमें नहीं थी, दूसरे प्रोजेक्ट में थी। कोई बात नहीं, एप डॉट जेएसएक्स में शुरू में लगा के टेस्ट कर लेते हैं। जहाँ ये भी हमने कार्ड लगा रखा था, इसको उड़ाओ। यहाँ अलर्ट, अलर्ट में टाइप इक्वल टू, एरर मैसेज इक्वल टू यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग। एक और अलर्ट टाइप इक्वल टू पासवर्ड सेव सक्सेसफुली, सॉरी प्रोफाइल सेव सक्सेस, टाइप में डाल दिया मैसेज टाइप इक्वल टू, इसमें मैंने डाल दिया सक्सेस। अभी दोनों अलर्ट्स आपस में चिपक के आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग देके मैं अभी के लिए स्पेस वाई फ्री कर देता हूँ, ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए इनमें। और यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग, प्रोफाइल सेव सक्सेसफुली, जूम कर रखा है इसलिए आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है, वरना फुल स्क्रीन है बस ये। ठीक है, इस पे अब डिटेल्स वाला रह गया, और मेरे बिना ध्यान कहीं और ही रहता है। अलर्ट में जाते हैं, मुझको डिटेल वाला हटाना था, डिसमिस वाला रखना था, तो यहाँ से डिसमिस वाला एचटीएमएल कॉपी कर लेता हूँ मैं। डिसमिस वाला थोड़ा अलग से डिजाइन था, ये ऑन क्लिक, ऑन क्लिक कभी कुछ नहीं, तो रिएक्ट वाला ऑन क्लिक लगाएंगे, कैपिटल सी वाला। सो यस, वी हैव डिसमिस, वी हैव, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, यहाँ पे टिक आ रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। अलर्ट में हमने प्लस कलर क्लास नेम में स्पेस देके दे रखा है, कलर बीजी ग्रीन 400, बीजी रेड 400। अच्छा, कलर तो इसी का चेंज होना था, इसका क्या कर रखा है इन्होंने, एक मिनट इनके डिजाइन में देखते हैं। अच्छा, ये तो वाइट ही रहता है, पर हमारे केस में वाइट की जगह डार्क क्यों आ रहा है, चलो वो बाद में देख लेंगे कि क्या कहानी है। चेक,
इसमें ना ये डार्क थीम सपोर्ट करता है शायद। ओके तो मेरे पे ना वो वाली थीम लगी हुई है। हाँ ये डार्क मोड, तो वो तो डिजाइन की चीजें देख लेंगे। ये डार्क जब इनेबल्ड है ये क्लास लगी हुई है, इसको हटा देता हूँ मैं। बीजी वाइट की चाहिए मुझको, तो आ गया है। एक सेकेंड, इस पर से हटा दूंगा इसमें कलर। टेक्स्ट वाइट, अच्छा ये तो ये वाला है टाइप डार्क में, डार्क वाली क्लास हटा देना इसके। चलो हो गया, तो ये हमारा बन तो गया। अब इसमें हमको कंपोनेंट हमारा रेडी, तो पहला काम तो यही होता है कंपोनेंट बनाना होता है। ठीक है, तो तुम ऐसे कंपोनेंट बना लेना। एक चीज मैं जल्दी से थोड़ी सी और बता दूं, यहाँ पे अगर आपको तीन चार पांच तरह की सपोर्ट करनी है और टाइप के बेस पे कलर अलग, आइकन अलग, कुछ और भी अलग होगा, तो ऐसे इफ एल्स की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट बना के रख लो, कंपोनेंट के अंदर बना लो, चाहो तो कंपोनेंट से बाहर बना लो। कॉन्स्ट थीम इक्वल टू सक्सेस कॉलन एंड एरर कॉलन। अब सक्सेस में ये दोनों डाल दो, इक्वल टू की जगह कॉलन आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक, और सिमिलरली वैसे आप थीम डिफाइन कर लो। अब आपको ना सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट थीम इक्वल टू, या फिर इसको बोल लो थीम मैप। तो ये ना सक्सेस थीम को उसके कलर्स के साथ, एरर थीम को उसके कलर आइकन वगैरह के साथ मैप कर रहा है। तो थीम क्या हो जाएगी, थीम मैप में से टाइप डाल के थीम निकाल लो। अब जहां पे भी आपको यूज करना है थीम डॉट कलर, इफ एल्स से बच जाते हैं बस। एक जगह मैपिंग थोड़ा सा इजी सा लगता है, वो टाइप तो है ही थीम डॉट कलर, और क्या था थीम डॉट आइकन, और यहाँ पे थीम डॉट आइकन। और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पे इसको डिस्ट्रक्चर ही कर लो, नहीं कलर तो बस ये भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के मैप्स आर यूजफुल रेदर देन इफ एल्स। इफ एल्स थीम नहीं कलर एंड आइकन, सॉरी इसको मैंने डिस्ट्रक्चर ही कर लिया। तो जहाँ चीजें तो वैसे ही चलेंगी, कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं बस बता रहा था थोड़ा सा सिंपलीफाइड सा लगे शायद। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड देना। अभी हमको दिखाना कब है एरर या सक्सेस, जब जैसे सक्सेस तो भी खैर हमको दिखाना है, मैंने बना दिया दिखाने के लिए कि एक ही अलर्ट कंपोनेंट से दोनों काम हो जाएंगे। सक्सेस भी यूज कर सकते हो, एरर के लिए भी टाइप अलग अलग देखे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब लॉगिन कंपोनेंट, अब देखो एरर्स आएंगे बहुत सारी जगह से, समझना। अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग लॉगिन कंपोनेंट पे आप से लॉगिन कर रहे हो, एरर आ गया तो वो भी एरर दिखाएगा। कल को एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, वहां कुछ गलत किया, वो भी एरर दिखाएगा। आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कोई कूपन लगा रहे हो, कूपन गलत है, ई कॉमर्स में तो हो सकता है उसमें भी ऊपर ही एरर दिखे। तो ये ऊपर वाले टॉप लेवल, कुछ जगह पे तो आप फॉर्म के साथ साथ एरर दिखाओगे, बट ये भी बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीजों में आप ऐसे ऊपर एरर दिखाओगे। तो अब जो भी एरर दिखाएगा उसको भी कोई सेट एरर ऐसे करके कोई फंक्शन चाहिएगा। अब वो फंक्शन फिर आप प्रॉप्स में पास करते फिर हो, तो इसके लिए हम एक और कंटेक्स्ट ही यूज करेंगे। तो अब जरा देखते जाना, इट विल ऑल मेक सेंस। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था यूजर कंटेक्स्ट, इसी तरह मैंने बनाया यहाँ पे अलर्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, और जैसे मैंने
अब कंटेक्स्ट अलर्ट को सेव करने के लिए मुझे फिर एक स्टेट बनानी पड़ेगी, तो यहाँ मैंने const अलर्ट सेट अलर्ट इक्वल टू, और ये हम थोड़ी देर में हटाएंगे यहाँ से। ऐसे तो हम जितने सारे ऐसे तो ऐप कंपोनेंट की यूज स्टेट भरती जाएगी, और बल्कि कंटेक्स्ट का तो ये भी होता है कि जरूरी नहीं है ऐप ही प्रोवाइड करे, जो भी प्रोवाइड करेगा उसको डेटा सेव करने के लिए यूज स्टेट बनानी पड़ेगी अपने अंदर, जो भी अलर्ट कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना चाह रहा है। हमने देखा था मल्टीपल जगह पे हम अलग अलग डेटा के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेक्स्ट को, तो इससे बचेंगे। अभी इसको रिफैक्टर करने वाले हैं थोड़ी देर में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ ये यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कराया, ऐसे ही हम अलर्ट कंटेक्स्ट, और ये भी पूरी ऐप में ही पास कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं कौन जो है वो अलर्ट सेट अलर्ट, इट विल ऑल मेक सेंस इन अ बिट। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने और ये जो अलर्ट कंपोनेंट है ना, ये अलर्ट कंपोनेंट मैंने ये अलर्ट कंटेक्स्ट के अंदर ही ऊपर ऐड कर दिया, अलर्ट कंपोनेंट ऑटो कंप्लीट में, अच्छा वो पहले से इंपोर्टेड है, ठीक है, और इसको प्रॉप में नहीं दे रहे डेटा। हाँ अब ये निकालेगा कंटेक्स्ट से, इसको चाहिए होएगा तो कंटेक्स्ट से निकाल लेगा, राइट। और या फिर हम एक एचओसी बना लेंगे, वो एचओसी हम यूज कर लेंगे अलर्ट पे भी और सब जगहों पे भी, तो जैसे हमने विद यूजर बना रखा है, एक और मैंने बना लिया विद एरर, ठीक है, तो ये विद एरर में बस क्या फर्क हो जाएगा, विद एरर और विद यूजर में बस इतना फर्क है कि ये यूजर कंटेक्स्ट की जगह एरर कंटेक्स्ट ऐप में मैंने एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, एरर कंटेक्स्ट में सॉरी अलर्ट का मैंने तो कहा तो कंप्लीट कर नहीं आ रहा, अलर्ट कंटेक्स्ट ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा विद एरर रख दिया ना, रिनेम कर देता हूँ विद अलर्ट, एंड देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चंस, बोर हो गए होगे, तो विद अलर्ट, सो यू विल सी ये तो बड़े कॉमन है विद अलर्ट और विद यूजर में ना कितना थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम देखेंगे कि कैसे हम इन्हें भी कंबाइन कर दें एक ही बना लें, विल सी टू दैट इन अ बिट, ठीक है। सो ये विद अलर्ट, तो जब भी देखो कोड में जब भी लगे कि यार रियूज चीजों को कंबाइन किया जा सकता है, सिंपलर बनाया जा सकता है, तो हमको बना लेना चाहिए, तो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे विद अलर्ट नाम एक तो मैंने कम चेंज किया है, और यहाँ पे ये यह बस कंटेक्स्ट का नाम चेंज किया, इतना ही तो चेंज किया है, चलो पहले इसको यूज करते हैं फिर इसको चेंज भी करेंगे। अब एप डॉट जे एस एक्स, तो हाँ अब मुझको क्या करना है, अलर्ट को अलर्ट कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे विद अलर्ट में रैप कर देना है, विद अलर्ट ठीक है। तो इसको मैसेज भी मिल जाएगा, अच्छा इसको चाहिए मैसेज एंड टाइप, तो मुझको हाँ ठीक है इसको ना यहाँ पे अलर्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर मैसेज एंड मॉन्स्टर हम ऐसे सेव करने वाले हैं एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों, तो स्टोर से वही मिल जाएगा उसको, यहाँ मैसेज एंड टाइप इक्वल टू अलर्ट ऑब्जेक्ट में से निकाल लेगा ये अलर्ट, और अलर्ट ऑब्जेक्ट जब इसको अलर्ट ही बोल देता है, नाम अच्छा नहीं लग रहा अलर्ट ऑब्जेक्ट, अलर्ट ऑब्जेक्ट मैं इसलिए अलग रख रहा था क्योंकि ये कैपिटल ए वाला अलर्ट हो गया, ये स्मॉल ए वाला अलर्ट हो गया,
बट समझ तो जाओगे, ये कंपोनेंट है, ये वो एक्चुअल अलर्ट है, ये अलर्ट को दिखाने वाला कंपोनेंट है, इसमें तो बस डेटा है, सो इट विल मेक फर्दर सेंस इन अ बिट। अब यहाँ पे ना इनिशियली अलर्ट इज अनडिफाइंड, कोई अलर्ट नहीं दिखाना, बट यहाँ पे मैं एक अलर्ट ऐड कर देता हूँ डिफॉल्ट। तो ये देखना जरा, टाइप कॉलन, अभी टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ बस मैं, ये टाइप कॉलन एरर एंड मैसेज कॉलन दिस इज अ टेस्ट एरर। सो देखो अलर्ट में क्या स्टोर होने वाला है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, या तो अनडिफाइंड होगा, अलर्ट नहीं है तो नहीं है, अगर होगा तो अलर्ट के अंदर ऐसा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें टाइप होगी और मैसेज होगा, और एक फंक्शन है सेट अलर्ट, तो हम ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ, अलर्ट एंड सेट अलर्ट। तो जिसको कंटेक्स्ट में से सिर्फ अलर्ट निकालना है वो अलर्ट निकाल ले, जिसे सेट अलर्ट भी निकालना है वो सेट अलर्ट भी निकाल ले। तो यहाँ पे जरा ये देखो, इस अलर्ट ने क्या कर रखा है, अलर्ट ने तो फिलहाल सिर्फ अलर्ट निकाल रखा है, सेट अलर्ट नहीं, और फिर अलर्ट में से मैसेज भी निकाल ले रहा है, टाइप भी निकाल ले रहा है और एरर भी दे दे रहा है। तो जरा एरर देखें कि क्या कर दिया हमने काम। कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी आइकन ऑफ थीम मैप टाइप एज इट इज अनडिफाइंड, काहे टाइप अच्छा एक सेकंड, तो अलर्ट में ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, एक मिनट इसको रिलोड करें, विद अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। अब रिलोड करते हैं तो अलर्ट डॉट जे एस एक्स में ये अनडिफाइंड आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ अलर्ट में एप डॉट जे एस एक्स में डिफॉल्ट वैल्यू अलर्ट ये डाल रखा है एक ऑब्जेक्ट, और फिर प्रोवाइडर में मैंने अलर्ट कंटेक्स्ट और प्रोवाइडर डॉट वैल्यू में मैंने अलर्ट और सेट अलर्ट दोनों डाल रखे हैं। अलर्ट को मैंने रैप भी कर रखा है, क्या कहानी है, विद अलर्ट में मैंने यूज कंटेक्स्ट अलर्ट कंटेक्स्ट, देखो अभी आके मैं इसको ठीक कर पाऊंगा, जितने बार कोड रिपीट करोगे, कैन नॉट यूज विद यूजर यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन डैशबोर्ड में, क्या नहीं रेफरेंस एरर, यूजर इज नॉट डिफाइंड, हे भगवान, कॉपी पेस्ट तो कर लिया लेकिन चेंजेस इतने सारे करने थे वो ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है तो ये देखो, ये ना यहाँ पे दिख रहा है हमको अलर्ट, अभी ये अलर्ट हार्ड कोडेड है एप डॉट जे एस एक्स में ना, अभी एप डॉट जे एस एक्स में हार्ड कोडेड है ये, टाइप
टाइप मैसेज, मैं टाइप को कर दूंगा सक्सेस एंड दिस इज अ टेस्ट सक्सेस मैसेज। तो देखो सक्सेस, दिस इज अ टेस्ट सक्सेस मैसेज। तो ये निकल तो स्टेट में से ही रहा है, लेकिन स्टेट में हार्ड कोडेड है, कभी हम सेट अलर्ट कॉल नहीं कर रहे हैं। अभी हम लॉगिन वाले से सेट अलर्ट कॉल करेंगे, ठीक। तो तब ये डायनेमिकली सेट होगा बेसिकली, अगर एक्चुअली में एरर आएगा तभी हम। बट उससे पहले हम एक बार ना कंपोनेंट अपना पूरी तरह सही बना लें। तो देखो कंपोनेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपको बस इतना करना बचा कि यूज स्टेट में अलर्ट का ऑब्जेक्ट डाल दो, कंपोनेंट उसे दिखा देगा। और ये सेट अलर्ट आप कहीं से भी कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये हमने कंटेक्स्ट में डाल रखा है, तो जिस भी कंपोनेंट को एरर दिखाना होगा, देखो वो कंपोनेंट जो एरर दिखाएगा, हो सकता है वो फुटर में हो, बिल्कुल नीचे हो, एरर कहाँ दिखाना है, बिल्कुल टॉप पे, समझ रहे हो? मतलब कहीं अंदर, मान लो यहाँ पे एक छोटी सी हमने चैट विंडो बना रखी है, उसमें कुछ हो रहा है, अब क्लिक गड़बड़ बस ने यहाँ करी, एरर तो टॉप पे दिखना है ना, एरर यहाँ, यूजुअल एरर हमेशा ऐसे टॉप पे दिखते हैं। तो टॉप की एक्सेस उसे मिल कैसे रही है, वो कंटेक्स्ट में डेटा डाल देता है और उधर कंटेक्स्ट में से उठा के अगर कंटेक्स्ट में डेटा होता है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। मुझको ये डिसमिस और काम करवाना है, डिसमिस भी हो जाए, ठीक। तो डिसमिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट में गए हमने, यहाँ पे से अलर्ट के साथ साथ समझते जाना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी सीखने वाली, सेट अलर्ट, बाकी तो होमवर्क में तुमको ये करना ही है, तो फिर और सीखोगे करके। सेट अलर्ट ये भी ले लिया प्रॉप में, और डिसमिस के क्लिक पे मैंने ऑन क्लिक लगा दिया, ये डिसमिस इज अ बटन, ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ मैंने एक फंक्शन, अब देखो मैं इसको डायरेक्टली सेट अलर्ट तो दे नहीं सकता ऑन क्लिक पे सेट अलर्ट, क्योंकि सेट अलर्ट को तो फिर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट में क्या पास कर देगा, ये तो इवेंट पास करेगा ज्यादा से ज्यादा, बटन के क्लिक पे तो इवेंट अवेलेबल होता है, तो अगर मेरा सेट अलर्ट इवेंट लेता होता प्रॉप आर्ग्यूमेंट में तो मैं डायरेक्टली ऐसे पास कर देता, अब तो कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट रिमूव अलर्ट इक्वल टू फैट एरो से बना लो चाहो तो। चलो अभी फैट एरो पे हाथ मैं झिझकने लग गया था क्योंकि पढ़ाने रखता था, बट अब तो मैंने एक फंक्शन बना लिया रिमूव अलर्ट, जिसको कुछ पैरामीटर नहीं लेना, बस उसको क्या करना है एट अलर्ट कॉल कर देना है अनडिफाइंड के साथ, ठीक। और यहाँ अलर्ट कंपोनेंट में तुम्हें क्या करना है, शुरू में कोड लिख लेते हैं, इफ नॉट अलर्ट, अगर अलर्ट अनडिफाइंड है तो रिटर्न एन एम्प्टी फ्रेगमेंट, ठीक है, या फिर रिटर्न अनडिफाइंड भी कर दोगे तब भी चलेगा, वो सेम से रिटर्न ही कर जाओ। इसका क्या मतलब है, अगर अलर्ट है ही नहीं तो अलर्ट कंपोनेंट को कुछ भी एचटीएमएल नहीं दिखाना है, अगर अलर्ट इज अनडिफाइंड तो अलर्ट कंपोनेंट कुछ नहीं दिखाएगा, बट अगर अलर्ट अनडिफाइंड नहीं है तब अलर्ट कंपोनेंट अलर्ट में से मैसेज निकालेगा, टाइप निकालेगा, टाइप के बेस पे आइकन और कलर निकालेगा, फिर बाकी का काम तब करेगा वो, ठीक है। और ये रिमूव अलर्ट मैंने लगा दिया डिसमिस पे, रिमूव अलर्ट, अब मैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि अभी इसको आर्ग्यू, यहाँ पे आपको वही फंक्शन देना पड़ेगा, या तो कोई पैरामीटर ना लेता हो, और लेता हो तो इवेंट लेता हो, तो ये हमारा कुछ नहीं लेता रिमूव अलर्ट, पैरामीटर में कुछ नहीं लेता, ये फंक्शन हम दे सकते हैं। अब देखते हैं, शुरू में जब आप ओपन करोगे आपको वो हार्ड कोडेड अलर्ट दिखेगा, जैसे ही आप डिसमिस पे क्लिक करोगे सेट अलर्ट हो जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होते ही हट गया अलर्ट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर तो आपको रिमूव अलर्ट बस इस डिसमिस के बटन से ही करना है तो दिस अप्रोच इज बेटर। हमारे पास दो ही फंक्शन आ रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, हमारे पास अलर्ट आ रहा है, सेट अलर्ट आ रहा है। अगर तो आपको सिर्फ यहीं पे रिमूव अलर्ट करना है और कहीं से अलर्ट रिमूव होगा नहीं तो ठीक है ये,
अदरवाइज आपको अगर बहुत सारी जगह से रिमूव अलर्ट करना है तो सब जगहों पे आपको यही करना पड़ेगा। एक फंक्शन बनाओगे रिमूव अलर्ट जो सेट अलर्ट अनडिफाइंड सेट करेगा, तो उस केस में बेटर अप्रोच ये है। अगर ये सेम कोड बहुत जो बहुत सारे कंपोनेंट में रिपीट करना पड़े जिस जिस कंपोनेंट को रिमूव अलर्ट करना है, तो उससे बेटर फिर ये रहेगा कि ऐप डॉट जे एस एक्स में मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ रिमूव अलर्ट जो कि सेट अलर्ट को अनडिफाइंड कर देता हो सेम, लेकिन मैंने बस ऐप में कर लिया। और ये भी मैं पास कर दूँ प्रोवाइडर में अलर्ट सेट अलर्ट रिमूव अलर्ट, जिसे अलर्ट सेट करना है वो अलर्ट सेट अलर्ट निकाले, जिसे अलर्ट की बस वैल्यू चाहिए वो अलर्ट निकाले, जिसे अलर्ट रिमूव करना है वो रिमूव अलर्ट। ऐसा नहीं है कि वैल्यू में यूजर और सेट यूजर जो स्टेट से आए वही फंक्शन पास, वही वैल्यू और वही फंक्शन पास हो सकता है, कुछ भी पास करो। मैंने अलर्ट किया है, सेट अलर्ट पास किया है और एक रिमूव अलर्ट फंक्शन बना के पास किया है, कुछ भी डेटा पास कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब उस ऑब्जेक्ट में कोई कसम थोड़े ना खा रखी है कि दो ही की हो सकती है, तीसरी की नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं दो की वाला ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ तीन की वाला, कहीं कहीं पे आप सिर्फ एक की वाला ऑब्जेक्ट भी पास करोगे, ठीक। जहां आपको बस डेटा प्रोवाइड करना है, वो डेटा चेंज करने के एक्सेस आपको किसी को नहीं देनी, वो चेंज जो है वो टॉप लेवल से ही होगा, बस कोई नीचे का कंपोनेंट चेंज नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम बस डेटा डेटा देंगे, हम डेटा दे रहे हैं और उस डेटा को चेंज करने के भी यहाँ पे दो दो तरीके दे रहे हैं। हो सकता है हम डेटा भी दो दें, अलर्ट दें और कोई एक एक्स वाई जेड चीज भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक कंटेक्स्ट एक वो उसमें आप दो ही चीजें दे सकते हो, दो ही कीज ऑब्जेक्ट में, यूजर सेट यूजर अलर्ट सेट अलर्ट, ऐसे कर लिया। अब ये रिमूव अलर्ट है, एक तो मुझको विद अलर्ट में जाके यहाँ अभी मैं आ रहा हूँ इसको करेंगे ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम ना स्प्रेड ऑपरेटर डॉट 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 वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी आ रहा हूँ उस पे विद अलर्ट रिमूव ठीक है। तो अब जरा ये देखो काम अभी भी वैसे ही करेगा, मैंने इसको रिलोड किया कंपोनेंट को तो इसने एरर दे दिया, सही दिया इसने। रिमूव अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, अलर्ट कंपोनेंट में निकाला नहीं है कि मैंने यहाँ, बल्कि इसको सेट अलर्ट की तो जरूरत भी नहीं, सीधा रिमूव अलर्ट ही निकालेगा। तो ये देखो डिसमिस, अभी भी डिसमिस वैसे ही काम कर रहा है, बट अब बस फर्क क्या पड़ा है, फर्क बस ये पड़ा है, मैंने कहीं पे क्लास लगा रखा, क्लास नहीं कर देंगे चलो, फर्क बस अब ये पड़ा है कि वो रिमूव अलर्ट अब कोई भी बस प्रॉप्स में लेके उसे कॉल कर सकता है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कुछ भी है जो भी है। तो आउटगोइंग कंपोनेंट विद अलर्ट डॉट जेएसएक्स क्लास नेम, अच्छा ये बाद में बटन कॉपी पेस्ट किया था, एनीवे ठीक है। चलो ये इतना पार्ट तो हो गया, अब आते हैं एक्चुअल एरर दिखाने के। तो एक्चुअली में तो ये होगा कि ऐप खुलते ही नहीं कुछ भी आएगा, ऐप खुलते ही तो यहाँ पे अनडिफाइंड रहेगा, अलर्ट इज अनडिफाइंड। और जब अलर्ट अनडिफाइंड है तो उस केस में अलर्ट कंपोनेंट तो हमने हमेशा लगा रखा है, लेकिन अलर्ट कंपोनेंट हमेशा कुछ रिटर्न नहीं करता। कई बार अलर्ट कंपोनेंट का एचटीएमएल में जीरो कंट्रीब्यूशन होता है, जो ब्राउजर में एक्चुअल एचटीएमएल दिखेगा उसमें इसका जीरो कंट्रीब्यूशन। और कई बार जब अलर्ट ऑब्जेक्ट होता है तब ये व्हेन अलर्ट इज नॉट डिफाइंड तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट व्हेन अलर्ट ऑब्जेक्ट है कुछ ना कुछ तब ये दिखाता है। तो जो इतनी सारी गलतियां हो रही है ना अभी कोड में, कई बार गलतियां हो जाती हैं, यहाँ कुछ लिखा वहां कुछ लिखा। अभी हम आगे एक चीज पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट, एंड यू विल सी कि वो कितना इन एरर्स को बचाते हैं। वी आर ह्यूमंस, लाइक टाइप करते करते गलतियां करते हैं, कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ छोड़ दिया, फिर चला के देखो फिर कंसोल खोलो, तो टाइप स्क्रिप्ट इसमें बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हम अब आगे टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। वो तो मैं शुरू से इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाता है शुरू में ना, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे। हाँ तो मैंने यहाँ से अब शुरू में खोल रहे हैं, कोई नहीं एरर दिख रहा। अब एरर कब दिखेगा, मैं कहाँ जाऊँगा
लॉगिन कंपोनेंट में, लॉगिन कंपोनेंट में एक तो मुझे यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट को विद यूजर के साथ साथ विद अलर्ट में भी रैप करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये लॉगिन कंपोनेंट अलर्ट कंटेक्स्ट की चीजें भी यूज करने जा रहा है। अब देखो आप विद यूजर पहले लगा लो, विद अलर्ट बाद में, इन दोनों के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट विद फॉर्मिक इन दोनों के बाद आना चाहिए। विद अलर्ट उसके अंदर विद यूजर, उसके अंदर फॉर्मिक, या विद यूजर उसके अंदर विद अलर्ट, उसके फॉर्मिक वाला बाद में आना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मिक के पास जब तक ये दोनों का डेटा नहीं पहुंचेगा तो वो बैग में डालेगा कैसे। बट इन दोनों में पहले कौन सा बाद में कौन सा डजेंट मैटर, और इस ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यूजर कंटेक्स्ट पहले प्रोवाइड कर रखा है, उसी के जस्ट अंदर अलर्ट कंटेक्स्ट, इन दोनों को पलट लो, इन दोनों के ऑर्डर से वहां के ऑर्डर का भी कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ ही रही होगी, यहाँ किसी भी ऑर्डर में लिखो, वहां भी किसी भी ऑर्डर में लिखो। तो लॉगिन में यार थोड़ा सा ना झपकियां मत लेना, तुमको तो 3 घंटे सुनना है, मुझे 3 घंटे बोलना पड़ता है, तो मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना, तो ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव रहना। हाँ, सो यहाँ बैग में से अब हम अलर्ट और निकाल लेंगे जब भी एरर आएगा। तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे थे, कंसोल लॉग ना करके बैग डॉट प्रॉप्स डॉट सेट अलर्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, जो जो भी प्रॉप्स हैं लॉगिन कंपोनेंट तक, जो भी वहां से प्रॉप्स आ रही हैं, कंटेक्स्ट का एचओसी जो दे रहा है वो यहाँ भी पहुंच रही हैं, तो सेट अलर्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सेट अलर्ट में यहाँ पे हमको मैसेज नहीं, टाइप एंड मैसेज, टाइप कॉलन एरर एंड मैसेज कॉलन इनवैलिड क्रेडेंशियल, ये मैंने सेट अलर्ट कर दिया। अब देखो ये सारी चीजें भी याद रखनी पड़ती हैं, कि यहाँ पे सिर्फ मैसेज नहीं देना, टाइप भी देना है, मैसेज भी देना है, सारी की सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट बड़ी आसान कर देगा। बट अभी तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा प्रशांत @ कोडियोगी डॉट आईओ, और पासवर्ड 1234567 8 है, बट मैंने 7 तक ही लिखा है, ताकि बैकएंड पे जाए उधर से एरर आए कि इनवैलिड। एरर तो आया बट ये तो कभी भी कंसोल लॉग में आया, तो ये क्या कहानी है, सेव नहीं किया क्या मैंने, सेव कर लेते हैं, अब प्रेस करें, ये क्या जादू है भाई। कुछ ऐसा, 1 मिनट, यहाँ जरा कंसोल डॉट लॉग बैग डॉट प्रॉप्स डॉट सेट अलर्ट और इसे डबल कोट में डाल लेते हैं, ताकि ये इसलिए होता है, बस टेक्स्ट पे लिखा जाए ताकि पता चल जाए कि क्या कंसोल लॉग हुआ है। सेवन, एरर आ ही रहा था क्या पहले से, या पता नहीं यार, ये भी कहानी मुझको ना इस बार। ये केबल ना शायद रिलोड नहीं होता यार तरीके से, मैंने कुछ नहीं किया, कंसोल लगाया, अब वो बिल्कुल ठीक चल रहा है जैसे चलना चाहिए, तो वो शायद ना पुराना ही कोड, जबकि मैंने दोबारा जाके स्पेशली सेव प्रेस किया था, बट वो ना रिलोड नहीं हुआ होगा, जो कोड रिलोड है 6 7, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि लगता है काम नहीं कर रहा, बट वो काम, देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स एरर वार्निंग, वो पूरा हमारा आ गया, डिसमिस फिर करेंगे, फिर आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे इस बार 8 लिख दूँ, पासवर्ड सही कर दूँ, तो एक्चुअली मैं लॉगिन हो जाएगा।
बट जो पुराना एरर है वो एरर तो हटा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज़ें करनी, दो तीन चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि जब भी ना यूआरएल चेंज हो तो पिछले वाला एरर तो हट ही जाए, अब तो बहुत हो गया, बस दिखाना पिछले पेज पे दिखाना था इस पे क्यों आ रहा है। और एक ये थोड़े से टाइम के बाद 5-7 सेकंड के बाद खुद भी हट जाए, डिसमिस पे क्लिक करके तो हटे ही बट खुद भी हट जाए। समझ आ रहा है वो क्यों आ रहा था? वो पिछले वाला ही था, ऐसा नहीं कि दोबारा से आया था वो, मैं दोबारा से लॉग इन करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मुझको ना इसको तो डिसेबल ही करना चाहिए, इसमें तो मेरे एक्चुअल पासवर्ड्स भी हैं। एक सेकंड देना, मैं स्टॉप द स्क्रीन शेयर। हाँ, तो हमारा अलर्ट वाली जो चीज़ है वो ठीक से काम कर रही है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको करनी है, एक तो उसका मैंने प्लगइन डिसेबल किया, क्रोम एक्सटेंशन उसका एरर था। तो अब जो हमको नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये है कि एक तो अलर्ट, पहले तो डाउट लेंगे इससे रिलेटेड, कुछ भी किसी को सवाल पूछना हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम करेंगे कि थोड़ा कोड को सिंप्लीफाई भी। तो मुझको एक चीज और बोलनी थी यार, दिमाग से नहीं। हाँ, खुद से डिसमिस हो जाए एक तो एरर, ये करना है कि 5 सेकंड बाद बिना डिसमिस का बटन क्लिक किए भी 5 सेकंड के लिए यूजर को दिखे, दिख गया बहुत है, ऑटो डिसमिस हो जाए। देखे होंगे बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं, तो ना वो हम क्या करते हैं यूजुअली, अगर एरर ऐसा है कि हम चाहते हैं कि यूजर को 100% दिखे ही दिखे, तो जब तक डिसमिस नहीं करोगे तब तक वो नहीं हटेगा। बट कुछ कई बार एरर ऐसा होता है कि यार बस ठीक है, एक बार दिखाओ, दिख गया दिख गया, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, 5 सेकंड बहुत होते हैं, हटा। तो देखे होंगे आपने एप्स में ऐसे एरर भी जो दिखे गायब हो गए। तो हम दोनों तरह की चीजें सपोर्ट करेंगे, यूजुअली ऐप में दोनों ही तरह की होती हैं। तो एक तो हमको वो करना है ऑटो डिसमिस वगैरह कैसे काम करेगा, और दूसरा हमको ना कोड सिंप्लीफाई करना है। बहुत सारी चीजें उसके थ्रू नहीं समझ आएंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। एक तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे विद अलर्ट और विद यूजर। अब वैसे तो 5 अगर कंटेक्स्ट बनाए तो 5 HOC बनते जाएंगे। एक हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, app.jsx में अगर मैं जाऊं तो क्या हो रहा है, यहाँ यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, अलर्ट कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, दोनों के लिए दो दो यूज स्टेट। तो इसका भी अब जितने कंटेक्स्ट प्रोवाइड करो सबकी यूज स्टेट, और बल्कि किसी किसी के लिए तो फंक्शन और बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है रिमूव अलर्ट, तो ये तो app.jsx में घुसाए जा रहे हैं हम कुछ भी कबाड़ा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ब्रेक के बाद करेंगे और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, 6:43 हो रहे हैं, 6:53 पे मिलते हैं और डाउट्स लेते हैं। चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रोड मैप की कहानी बता दूं मैं, कि रोड मैप का क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं कोर्स में। तो एक तो अभी हमको टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना है, अभी हम जो भी रिडक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, फिर हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हम टाइप स्क्रिप्ट की हेल्प से बनाएंगे। कोई भी समझदार सेंसेबल अब आदमी होगा आज के टाइम में तो वो टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा होगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे, प्रोजेक्ट ठीक होगा तो टाइप स्क्रिप्ट में ही होगा। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, एक हमको रिडक्स पढ़ना है, अभी रिडक्स सागा पढ़ना है। तो तीन जो मेजर टॉपिक हैं वो तो ये हैं जो अभी हमको पढ़ने हैं, टाइप स्क्रिप्ट, रिडक्स, रिडक्स सागा। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एरर बाउंड्रीज, लेजी लोडिंग और रेंडरिंग प्रॉप्स, कुछ कुछ अभी हुक्स हैं, यूज रेफ, तो वो सारी चीजें भी हैं। तो रिएक्ट का के सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे, और टाइप स्क्रिप्ट, रिडक्स और रिडक्स आगा ये। उसके बाद और ये पढ़ने में हमको मोटा मोटा अंदाजा, अब देखो ऐसा रोड मैप मेरे पास नहीं है कि अगली क्लास में, उसके अगली क्लास में, उसके अगली क्लास में, क्योंकि क्लासेस, लाइव क्लासेस में कुछ पता नहीं चलता। तुमने डाउट्स पूछने शुरू किए तो 1 घंटा उसी में निकल गया, नहीं पूछे डाउट्स तो नहीं, ठीक है। और कई बार चीजें ना वैसे भी टाइम ले जाती हैं, कोई एरर आने लग गया, कुछ भी हो गया, बट रफ जो एस्टिमेट है, तो मतलब डेली बेसिस पे तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक, नवंबर एंड तक ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो रिएक्ट का कोर्स खत्म हो जाएगा,
फिर हम करेंगे थोड़ी सी थोड़े से दिन प्रैक्टिस, 15 दिन, 2 वीक्स, वी विल जस्ट डू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे साथ में, असाइनमेंट्स देंगे ज्यादा से ज्यादा, और मैं बस आऊंगा। तो अभी क्या होता है, मैं प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहा, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और टॉपिक को फिर प्रोजेक्ट में कहीं फिट करके कि देखो ऐसे, तब क्या हो रहा होगा, बिल्कुल सही तरीके से कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि तुमको बेसिक सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं फिर तुमको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, कुछ खुद बनाऊंगा, कुछ असाइनमेंट तुमको दूंगा, और उसमें फिर हम थोड़ा अच्छे तरीके से काम करेंगे। और उन 15 डेज के बाद फिर शुरू होगा बैकएंड का कोर्स, ठीक है? और बैकएंड में, क्योंकि तुम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ चुके होगे, रिएक्ट पढ़ चुके होगे और ये सब चीजें, तो बैकएंड में तुमको ज्यादा टाइम नहीं पता लगेगा। जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट तुमको आती होगी ऑलरेडी, और बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, तो बैकएंड थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो 2 महीने के आसपास बैकएंड में लगेंगे। और बात रही कि सीएसएस का थोड़ा सा, तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, पूरा रिएक्ट खत्म करके 1 हफ्ता सीएसएस को दे लेंगे। उसके बाद जब सीएसएस भी थोड़ा अच्छे से आ जाएगी, तो फिर प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे, तो थोड़ा और बेटर रहेगा। तो ठीक है, मैं इंक्लूड कर लूंगा सीएसएस भी। तो ये प्लान है। अब जब रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद देखेंगे, इस ईयर के एंड तक रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगी, और ये सारी प्रैक्टिस व्रैक्टिस होके सब हो चुका होगा दिसंबर तक। फिर हम नोड जेएस का बैच, हमने पिछली बार भी करते करते फिर हमने ड्रॉप कर दिया था, फिर हमने लोगों को नोड जेएस पढ़ाया है बाद में इंटरनली, दो दो चार चार लोगों को करके। तो इस बार हम शायद रिएक्ट के बाद नोड जेएस साथ के साथ कंटिन्यू करें, बाकी देखेंगे। भी तुम लोगों के प्लेसमेंट्स का फिर कराना शुरू करेंगे, तो हो सकता है अगर इस बैच में नोड जेएस नहीं किया हमने, तो हम फिर अगला बैच शुरू ही नोड जेएस का करेंगे। एक तो ये चीज है, तो फिर जिसको नोड जेएस भी पढ़नी हो, वो अगले बैच को भी ज्वाइन कर लेना। ये तो हो गया रोड मैप। इसमें एक चीज और, आगे के कुछ टॉपिक्स की हमारी कोशिश है कि हम इस तरीके से लाइव क्लास में ना पढ़ा के हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ काम कर रहे हैं। वो कंटेंट क्रिएशन करके, और वो वीडियोस ही यूट्यूब पे डालें, और फिर यूट्यूब एज अ फीचर ऑफ लाइव प्रीमियर करके कुछ, तो वो रोज 5 बजे वीडियो आया करेगी लाइव क्लास की तरह ही। उसको साथ में तुम और मैं बैठ के देखा करेंगे, ठीक है? उसमें वीडियो जो यूट्यूब क्रिएटर है प्लस जो व्यूअर्स हैं, वो साथ में देख सकते हैं। चैट वैट लाइव, बिल्कुल लाइव की तरह ही चलता है उसमें, यूट्यूब लाइव की तरह साइड में चैट वैट चल रही है वो, लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। और उसके बाद डाउट्स, तो टॉपिक प्री रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि आगे के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से मुश्किल होने जा रहे हैं, तो उसमें ना एनिमेशन एंड सब कुछ, और थोड़ा पहले से, तो जब प्री रिकॉर्डेड होगा तो ना आप हर वर्ड सोच सोच के बोल सकते हो कि यार ये ना बिल्कुल लाइव में, तो लाइव के अपने फायदे हैं खैर, तो हम वो सोच रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है यार, पहली बार कोई भी काम करो ना रिकॉर्ड। अब मैंने यूट्यूब पे जैसे थोड़ी सी वीडियोस देखनी शुरू करी, तो मैं कह रहा यार यूट्यूब पे तो सब, यूट्यूब पे जनता दिखती बड़ी सुंदर है, सब बड़े चमके चमके चेहरे, तो मैंने सोचा चलो अब ना सब उनकी जगह फेस वॉश से फेस धोना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन फिर तो बाद में समझ आया वो फेस वॉश का कोई कमाल नहीं है, वो तो लाइटिंग का कमाल है भाई। उसमें लोगों ने पता नहीं कौन सी लाइट लगा रखी है, ये फिल लाइट है, ये सब्जेक्ट लाइट है, एक लाइट ऊपर लगा रखी है जो कि बालों को चमकाने के लिए है, जिनके बाल हैं कोई बात नहीं, लाइट तो मैं भी लगा सकता हूँ। पता नहीं क्या 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 ताम झाम कर रखे हैं, पूरा स्टूडियो बना रखा है, तो कुछ ऐसा हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस सब में फिर थोड़ा सा पहली, तो इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, पहली बार कर रहे हैं, बट जल्दी ही, मतलब कोशिश ये है कि इसी बैच का आधा पोर्शन हम रिकॉर्डेड वीडियोस से ही पढ़ाएं, वरना तो बड़ा पेन आता है यार उस उन टॉपिक्स को पढ़ाने में, थोड़ा मुश्किल है टॉपिक्स आगे वाले, लेट्स सी। और मैं एक स्टूडियो, एक स्पेस लिया है जहाँ पे I'm सेटिंग अप समथिंग, थोड़ा नॉइज कैंसिलेशन वगैरह वाले भी, जो 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 भी ताम झाम होते हैं वो यूट्यूब पे देख देख के सीख रहा हूँ मैं भी, क्या क्या होती है कहानी। किसी को सोच रहा हूँ हायर ही कर लें जो कि पूरा सेटअप कर दे।
चलो कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, कुछ रोड मैप से रिलेटेड ही कहानी पूछनी हो, वरना तो जो पढ़ा है दो ही चीजों से रिलेटेड डाउट पूछें फिलहाल। पहले तो रोड मैप से रिलेटेड ही पूछें, कोई और सवाल दिमाग में आ रहा हो तो, और उसके बाद आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, फिर तीसरे लेवल पे लेंगे इधर उधर के डाउट आज या आज से पहले वाला, ठीक है? तो चलो बताओ कुछ पूछना है। अरे मैंने रिकॉर्डिंग, हाँ अमन, हेलो हाँ बोलो। सर, मैं पूछ रहा था जो कॉन्टेक्स्ट है ये, सर डाटा को नीचे से ऊपर को भी ले आएगा? वैसे ही काम करेगा जैसे कि प्रॉप करती थी, आपने फंक्शन दिया है, फंक्शन कॉल करेगा तो डेटा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है सर, देखो यही पूछ बिल्कुल रहा था कि नीचे से ऊपर भी। यार, नीचे से ऊपर ना बिल्कुल वैसे ही है। एक एग्जांपल और देके बता देता हूँ ऊपर से नीचे तो कुछ भी डेटा जा सकता है, ठीक है? नीचे से ऊपर, नीचे के कंपोनेंट्स ऊपर वो ही डेटा भेज पाएंगे जो डेटा ऊपर वाले मांग रहे हैं फंक्शन देके। ऐसे समझो कि पिताजी बोल रहे हैं या कोई घर में बड़ा है कि जितना पूछा जाए बस उतना बताओ। तो आप बींग अ किड इन द हाउस, आप बच्चे हो घर में, तो आप तो बस उतना ही बता सकते हो जितना पूछा जाए, और पिताजी कुछ भी बता सकते हैं, चाहे आप पूछो चाहे आप ना पूछो, और वो डेमोन्स्ट्रेशन देके भी बता सकते हैं, अच्छे से डंडे के साथ भी बता सकते हैं। तो ऊपर वाले तो नीचे जैसे मर्जी इंफॉर्मेशन भेजें। टाइपस्क्रिप्ट में हम बाद में देखेंगे कि कम से कम टाइपस्क्रिप्ट, वो भी टाइपस्क्रिप्ट करता है, रिएक्ट का उसमें कोई लेना देना नहीं है, कि टाइपस्क्रिप्ट एरर देगा कि भैया ये जो नीचे वाला है ये कॉम्पोनेंट ये प्रॉप नहीं लेता, आप जबरदस्ती प्रॉप क्यों दे रहे हो। वो टाइपस्क्रिप्ट बीच में अपनी चौतराहट दिखाएगा, वरना तो अभी तो ये है कि कंपोनेंट चाहे उस डेटा को यूज करता है चाहे नहीं करता, ऊपर वाले कंपोनेंट तो जो मर्जी 10 प्रॉप दें, 20 प्रॉप दें, 50 प्रॉप दें, चाहे कंपोनेंट उसका कुछ यूज करे चाहे ना करे। लेकिन नीचे से ऊपर वही इंफॉर्मेशन, एक फंक्शन दे रखा है तो आप एक ही फंक्शन कॉल कर सकते हो, दो दे रखे हैं तो दो ही कॉल कर सकते हो, और नहीं दे रखा तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर पेरेंट ने आपको कोई फंक्शन नहीं दिया तो आप पेरेंट तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं सकते। तो कंटेक्स्ट में भी ऊपर इंफॉर्मेशन क्यों जा रही है, उसी कंटेक्स्ट की हेल्प से इंफॉर्मेशन ऊपर जा पाएगी जो कंटेक्स्ट फंक्शन दे रहा है। जैसे अलर्ट वाले कंटेक्स्ट ने दो फंक्शन दिए, रिमूव, एक की हेल्प से आप डेटा हटा पा रहे हो और एक की हेल्प से आप डेटा को सेट कर पा रहे हो, अलर्ट सेट किया या अलर्ट को अनडिफाइंड सेट किया। यूजर वाले में भी एक फंक्शन दिया है, ऐसे भी अलग कंटेक्स्ट होंगे कि आप उसमें बस डेटा डेटा दो, फंक्शन दो ही मत, तो नीचे वाले डेटा को रिट्रीव तो कर पाएंगे, डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे। मेक सेंस? ठीक है सर। कुछ और पूछना है? अभिनव स्टेट को तो तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, एक बार रीट्राई करो, वरना तो चैट में लिखना अपना सवाल। बेटर इफ यू कैन टाइप इट इन द चैट, क्योंकि अभी भी हो रही है ब्रेक तुम्हारी आवाज। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, तुम अपना टाइप कर दो उसमें। शुभम सर, जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं और नोड जेएस, वो दोनों अलग अलग है क्या? जावास्क्रिप्ट तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोड जेएस की हेल्प से आप बैकएंड का कोड भी जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो। रिएक्ट और जो हम पढ़ रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फ्रंट एंड का कोड लिख रहे हैं हम। फ्रंट एंड पे तो एनीवे चॉइस है नहीं, बैकएंड पे लेकिन बहुत चॉइसेस हैं, आप पाइथन में लिख लो, रूबी में लिख लो, गोलैंग में लिख लो, इसमें उसमें किसी में भी लिख लो। तो बट अगर आप बैकएंड का कोड भी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो तो उसके लिए है नोड जेएस। ललित सर, जो हमने वो बनाया था इससे पहले सर, जो हमने पहले किया था उसमें तो आपके सिर्फ दो कंपोनेंट थे बस, बट हमारे ज्यादा कंपोनेंट हमको माउंट और अनमाउंट करने थी, सिर्फ एक तो साइन लॉगिन दिखाना और एक साइन अप दिखाना है,
पर बाकी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट दिखाने हैं सर, लॉगिन और साइनअप के बाद। तो सर जो हमने वो फंक्शन बनाया था वो जिसमें हम चिल्ड्रन प्रॉप में दे रहे थे सर, उसमें हम राउट्स भी दे सकते हैं प्रॉप में, या फिर हमको हर बार अलग अलग देना पड़ेगा? हाँ यार, वो दैट इज़ द पेन विद दैट, वो हर बार मैं उसका सॉल्यूशन तुमको बताता हूँ अभी, कि हम उसको ना थोड़ा सा और क्लीनर तरीके से करेंगे। एचओसी दोगे तो सारे एचओसी उसको भी रैप करना पड़ेगा, राइट? तो आइडियली तो ये था कि जहाँ राउट लिख रहे हैं वहीं पे ऑथर राउट लिख लेते हैं या वहीं पे यूजर राउट लिख लेते हैं। तो मैंने पहले किया तो ऐसे ही था ताकि कुछ एक्स्ट्रा ना बढ़े, एक एक्स्ट्रा टैग बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो रिएक्ट राउटर अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देन देर आर एक्चुअली वेज टू डू इट, कि हम उसको फिर भी रैप करके, तो या तो मुझको राउट्स को ही पहले रैप करना पड़ेगा कंपोनेंट पेरेंट वाले को, वो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है? बट सर वो अभी सारे सारे जो कंपोनेंट्स को, और मैं ये भी बताता हूँ पार्ट अभी इस ब्रेक के बाद, अभी जब पढ़ेंगे, कि मैं क्यों वहाँ पे एचओसी नहीं यूज कर रहा, क्यों मैंने वो रैप वाली चीज तरी करी है। सर वो रैप वाली चीज में भी पता नहीं सर कुछ एरर दे रहा था, सेट स्ट्रेट करके अलग एरर तो सा। नहीं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वो तो फिर डाउट क्लास में एक बार पूछो कि क्या गड़बड़ है। मतलब चलेगा तो सही, वो मल्टीपल कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है उसका। तुम्हारे में एरर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होगे तुम, बलराम। हेलो सर, सर हाँ मोंगोडीबी बोलो। और एसक्यूएल भी है रोड मैप पर? हाँ मतलब जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो उसमें एसक्यूएल पढ़ेंगे, अच्छा सर, मोंगोडीबी वो नहीं पढ़ेंगे। सर मन स्टैक और मेन स्टैक होता है सर, इसमें एक्सप्रेस का काम रहता है? यार एक्सप्रेस होता है बैकएंड पे राउटिंग के लिए, ऐसा समझो जैसे यहाँ रिएक्ट राउटर है ना, वैसे बैकएंड पे एक्सप्रेस है, बट हम यूज करेंगे एडोनिस जेएस, जो कि विच प्रोवाइड्स अ लॉट मोर आउट ऑफ द बॉक्स एंड काफी अच्छा फ्रेमवर्क है। तो नोड जेएस, ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस वी यूज एक्सप्रेस, बट हेयर ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस वी विल यूज एडोनिस जेएस। बेसिकली ठीक सर। सर नोड जेएस ना मैं बैकएंड पे रन टाइम प्रोवाइड कराता है आपको, बट उसपे ऊपर कोड लिखने के लिए देन यू ऐड सम फ्रेमवर्क एक्सप्रेस और भी बहुत सारे। सर लाइव चैट जैसे बनाते हैं ना सर, लाइव चैट के लिए, तो सर उसमें मोंगोडीबी की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये एसक्यूएल डेटाबेस की? नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ, नहीं कि मोंगोडीबी का उसमें कोई रोल है, वो तो आपको सॉकेट, वेब सॉकेट्स यूज करने पड़ेंगे। तो एक WS करके लेवल लाइब्रेरी है, या सॉकेट डॉट आईओ है। फिर इसे हो गया यार, ठीक है। तो WS या सॉकेट डॉट आईओ, ये अगर कुछ सिंपल कर रहे हो तो सर्वर साइड इवेंट्स भी यूज कर सकते हो, अगर थोड़ा सा कुछ सिंपलर ही बिल्ड कर रहे हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर शुरू में तो अगर आप बना रहे हो तो फायर बेस जैसी कोई चीज भी, पब सब की बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, MVP बना रहे हो या प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है, आपको पता है कि फुल फ्लेज प्रोडक्ट बनाना है, डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मोंगो डीबी ये ना, ये जो मर्न स्टैक या मीन स्टैक में मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, मीन होता है मोंगो एक्सप्रेस, ए फॉर एंगुलर, एन फॉर नोड, एम फॉर मोंगो, ई फॉर एक्सप्रेस, ए फॉर एंगुलर, एन फॉर नोड, और उसी में एक ही जगह आर डाल दो तो वो हो जाता है मर्न स्टैक रिएक्ट। पहले मीन स्टैक बड़ा पॉपुलर था जब एंगुलर था, रिएक्ट वॉज नॉट इनिशियली, फिर मर्न स्टैक, लेकिन मोंगो इज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन यार। क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए अच्छा है सब, है डेटा हमेशा रिलेशनल होता है, तो हम तो इतने स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, सब सीक्वेली यूज करते हैं। इट्स गुड एज अ कैशिंग लेयर, मतलब ऑन टॉप ऑफ सीक्वल लोग मोंगो यूज कर लेते हैं, तो वो मोंगो का फैसिनेशन जो है ना, पता नहीं ऑनलाइन ही है वो फैसिनेशन। हम तो इतने सारे सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं, सब सब सीक्वल पोस्टग्रेस या कुछ यूज करते हैं, तो इसलिए हम तो नहीं, हम नहीं पढ़ाते मोंगो। मोंगो बाय द वे बहुत आसान है, पढ़ना होगा तो थोड़ी सी देर में ही बता दूंगा मैं तुमको। उसमें जब क्लास को जो स्ट्रक्चर ही नहीं है तो रिलेटिवली बहुत आसान हो जाता है, SQL रिलेटिवली मुश्किल है, बट वो आसान है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेन्स लेटर ऑन, उसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती है, फिर छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो ठीक है।
एक सेकंड, थैंक यू अमित सर। जो आपने वो उसका बताया था ना सर, जैसे कि टोकन का बताया था सर कि टोकन, जैसे हम पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद हमें बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, टोकन जाएगा। तो सर क्या टोकन को कैप्चर नहीं किया जाता पैकेट स्निफिंग या बैटर कैप के थ्रू वो तो, या फिर सर वो कंपेयर करेगा सर कुछ? देखो अगर बीच में कोई भी आपको ईव्स ड्रॉपिंग कर रहा है नेटवर्क पे, अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है एक तो हम ना जब रिक्वेस्ट HTTPS पे जाती है तो बहुत सारी चीजें तो वहां से थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट क्योंकि लेकिन फिर भी चीजें तो हो ही सकती हैं, आप अनसिक्योर नेटवर्क पे हो कुछ है कहानी, तो इन दैट केस टोकन भी बिल्कुल चुराया जा सकता है। लेकिन टोकन चुराने से यूजर को आपके अकाउंट की फुल एक्सेस नहीं मिलती है। तुमने ये देखा होगा अगर आपने किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रखा है तो आप पूरी वेबसाइट यूज कर पाते हो, बट जो बहुत ही सिक्योरिटी वाली चीजें हैं जैसे पासवर्ड चेंज करना है तो आपको फिर से अपना पुराना पासवर्ड, आप लॉग्ड इन हो, आप प्रोफाइल एडिट कर लो, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर पाओगे, अपना नाम चेंज कर लो बट अगर आप अकाउंट में, मान लो मैंने तुम्हारा अकाउंट हैक कर लिया, मतलब टोकन मिल गया मुझे, वो मैंने अपने लोकल स्टोरेज में डाला, यूज करने लग गया मैं जाके वेबसाइट तो प्रोफाइल तो एडिट कर सकता हूँ प्रोफाइल तो एडिट कर सकता हूँ लेकिन आई वॉन्ट बी एबल टू चेंज योर ईमेल एड्रेस और उसकी जगह मैं अकाउंट में अपना ईमेल एड्रेस सेट कर दूँ, वो नहीं कर पाऊंगा राइट या पासवर्ड नहीं चेंज कर पाऊंगा या अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है उसको डिसेबल नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है या मान लो कोई पेमेंट वेमेंट से रिलेटेड है तो वहां पे वो दोबारा पासवर्ड या ओटीपी कुछ ना कुछ मांग लेगा, तो एक तो लिमिटेड एक्सेस है, यूजर ने पासवर्ड से तो फुल एक्सेस मिल गई, पासवर्ड की हेल्प से तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, तो एक तो वो फर्क हो गया। दूसरा आप कभी भी जाके ना जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो सेशंस की लिस्ट मेंटेन रखती हैं कि आपने ना कहाँ कहाँ लॉग्ड इन हो और लास्ट आपने कब एक्सेस किया था, तो अगर आपके दो टोकन चल रहे हैं तो दिखाएगा कि एक टोकन ये है और एक टोकन ये है। अब आप कहोगे यार ये वाला तो मैंने यूज ही नहीं किया, मतलब ये वाला अकाउंट तो मैंने एक बार लॉग इन एक ही में कर रखा है, दो दो दिखा रहे हैं तो और अच्छी वेबसाइट्स ये भी करती हैं कि टोकन के साथ साथ ना यूजर एजेंट भी मैच किया जाता है कि मैंने लॉगिन तो किया था मैकबुक प्रो पे और रिक्वेस्ट जा रही है विंडोज से, लेकिन एक्चुअली फेक वो भी की जा सकती है, तो कोई समझदार हैकर होगा वो मैक एड्रेस हो जाता है सर चेंज, हाँ सब कुछ चीजें चेंज हो जाती है, हाँ एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। बट वो ना देखो लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, आप हर चीज चेक करने की कोशिश करते हो, आप आईपी एड्रेस भी देखोगे कि यार पहली जो रिक्वेस्ट गई थी वो तो देहरादून से गई थी और आप जो दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है वो कहीं और से, लेकिन आप वो भी कर सकते हो, आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, VPN यूज करोगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग हो जाता है, हाँ तो चीजें तो सारी हो जाती हैं सर। जो जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है सर, जैसे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं सर, तो उनमें जैसे हम पेमेंट करते हैं तो टोकन जनरेट करता है, तो सर मैंने देखा कि कई जो हैवी सॉफ्टवेयर हैं जैसे ऑटोकैड का है वगैरह है, तो कईयों ने सर उनको बाईपास कर रखा है, तो क्या वो उसका भी उसके बीच में भी कोई टोकन का रिलेशन होता है सर? तुम वो कह रहे हो कि मतलब जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वाली जो चीज होती है? यस सर, जैसे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं पर उनको कैसे उनका टोकन फ्री में यूज कर लेते हैं उनको और वो यूज, यस सर। हाँ अब देखो यार एक चीज है, जो भी सॉफ्टवेयर ऑफलाइन काम कर रहा है इसका मतलब जो भी सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए चाहिए, जो सॉफ्टवेयर काम ही ऑनलाइन करता है उसे तो आप फ्री में यूज, अगर वो पेड है तो पे करना ही पड़ेगा, बट जो भी सॉफ्टवेयर ऑफलाइन काम करता है वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो बीच बीच में रिक्वेस्ट भेज के चेक करेगा कि भैया ये यूजर ने ना पे कर रखा है या नहीं, इस अकाउंट से लॉग इन है या ये टोकन वैलिड है या नहीं है या कुछ भी है। अब आप जब वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे है तो आप तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो ना, आप ये भी कर सकते हो कि वो ना रिक्वेस्ट ही ना जाए, वो कभी चेक ही ना कर पाए। अब अगर मान लो उसमें ये लॉजिक हो कि अगर 10 दिन तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं डिसेबल कर देगा वो, तो डिसेबल वाला चीजें भी आप हटा सकते हो, वो कहीं ना कहीं कुछ राइट कर रहा होगा किसी फाइल में, या फिर आप रेस्पॉन्स को भी फेक, तो चीजें देखो इन अ वे सिक्योरिटी इज अ मिथ,
भाई अगर तुम वो चीज तुम्हारे, अगर कोई तुम वेबसाइट से वीडियो देख रहे हो और वो पेड वेबसाइट है, अगर वो वीडियो तुम्हारे कंप्यूटर तक आ गई तो तुम उसको डाउनलोड ना कर पाओ, इसका कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर पे ऑफलाइन चल पाता है तो तुम उसको, लाइक यू कैन मेक इट डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट, ज्यादा हुप्स ऐड कर सकते हो, लेकिन रोक पाओ ऐसा कोई तरीका नहीं। वैसे हम टॉपिक से थोड़े डाइवर्ट हो गए हैं यार। सॉरी सर, अभी जो था इस पे फोकस करते हैं दो चीजों पे। पहले फर्स्ट इज ये कुछ रोड मैप से रिलेटेड कोई दिमाग में सवाल आ रहा हो तो, एंड सेकंड इज जो आज हमने पढ़ा है आज और पिछली क्लास में। कुछ और सवाल है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुको यार, गले में। हाँ बीजी, सर हमने लास्ट क्लास में जो लॉगआउट वाला काम करा था उसमें हम अगर कोई कार्ट में अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो वो हट नहीं रहे अगर लॉगआउट करे थे हम तो। तुमने कार्ट लोकल स्टोरेज में भी सेव कर रखी है क्या? सर कार्ट, जी हाँ सर, लॉगिन हो गया है तो लॉगिन होते ही आप लोकल स्टोरेज से तो डिलीट कर दोगे, पहले लोकल स्टोरेज से निकालोगे अगर कार्ट ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में पड़ी है, और एपीआई कॉल करके उसे सर्वर पे सेव कर दोगे, और फिर लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करोगे। अगर यूजर लॉग इन है तो सीधा वहीं पे जाएगा सर्वर पे। एवरी टाइम यूजर विल एड समथिंग, आप तुरंत एपीआई कॉल करोगे, क्योंकि लॉग्ड इन यूजर तो ये उम्मीद करेगा कि उसने कंप्यूटर पे एड टू कार्ट किया तो उसके मोबाइल पे भी दिखे अगर उसने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रखी है। और समझ लो, और अभी के केस में तुमको ये करना है, अभी लॉग इन तो तुमने कर लिया लेकिन अभी हमने एपीआई तो इंटीग्रेट की नहीं है एड टू कार्ट वाली, तो अभी तो लोकल स्टोरेज में डालना पड़ेगा अभी के लिए, जी जब सर, तक एपीआई नहीं ऐड करते। तो तब तक ये करो कि जैसे ही बंदा लॉगआउट का बटन क्लिक कर रहा है, वो लॉगआउट का जो हमने फंक्शन लिखा है, जो लोकल स्टोरेज से टोकन डिलीट कर रहे हैं, वो लोकल स्टोरेज से कार्ट भी डिलीट कर दो। रिमूव ओके आइटम कार्ट, वो भी हट गया लोकल स्टोरेज से। और सर, बल्कि हम देखेंगे कार्ट के केस में तो, लॉगआउट के केस में तो अक्सर एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन ये होता है, लोकल स्टोरेज वगैरह से डेटा डिलीट करो और ऐप ही रिलोड कर दो पूरी, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर से। देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे वो चीज। ओके सर, अभी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज से भी हटाना पड़ेगा और सेट कार्ट अनडिफाइंड वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे भी हटाना है तुमको, रिडक्स स्टोर, वो रिडक्स तो भी है नहीं, सॉरी स्टेट से भी, ऐप कंपोनेंट की। अदरवाइज आगे तुम ये करेंगे, रिलोड कर दो, क्योंकि कोई ओके खराब सर, यूजर एक्सपीरियंस भी नहीं होता उससे। बंदा लॉग आउट कर ही रहा है तो लॉग आउट करते करते रिलोड हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, वो वैसे भी उसको बंद करके जाना होगा तो चला जाएगा। तो देखेंगे आगे रिलोड के, हम अक्सर रिलोड से बचते हैं लेकिन लॉगआउट के केस में ना रिलोड करना ना थोड़ा सा सेफ साइड हो जाता है, और बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं, वो क्लियर करने का झंझट बच जाता है और यूजर एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता। तो हम तो अक्सर ऐसे ही कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स में कि लॉगआउट पर रिलोड, व्हाट डज इट मीन, बाद में समझ आएगा, करेंगे अभी आगे। कुछ ओके सर, और पूछना है? प्रकाश, सवाल होता जाए तो हैंड्स डाउन करते जाओ, अदरवाइज मैं समझूंगा वापस आना है। हाँ प्रकाश, प्रकाश हेलो यू हाँ बोलो। सर, जैसे मेरा सवाल था रोड मैप से कि अगर किसी के कोर लैंग्वेज जावा या पायथन है तो क्या वो नॉट जेएस में स्विच करना सही रहेगा उस टाइम पे। ये कोर लैंग्वेज क्या होती है भाई? यहाँ कोई मदर टंग थोड़ी ना है कि जी मेरी हिंदी है, मेरी मराठी है, मेरी बंगाली है। तो तुम लाइफ में नहीं बहुत सर, सारी लैंग्वेज मतलब सीखोगे। जैसा जैसा देर इज मतलब जो नथिंग मतलब लाइक कोर लैंग्वेज, पहली चीज ये समझो। एक लैंग्वेज अगर आपको आती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कुछ घंटे ही लगते हैं काम करना शुरू करने। बाकी चीजें, कुछ कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, कोई थोड़ा इस तरह का फर्क हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये मल्टी थ्रेडेड है, ये मल्टी थ्रेडेड नहीं है, तो इसमें इसमें की कॉन्करेंसी समझनी पड़ेगी, फलाना, थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन यार लैंग्वेज फिर भी लैंग्वेज ही है, कुछ नहीं ज्यादा टाइम लगता। आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, आप सोचोगे यार ये पाइथन में इफ एल्स कैसे चलता है, पाइथन में अरे कैसे बनती है, अच्छा इसमें अरे नहीं लिस्ट होती है, चलो बात तो एक ही है, ऐसे सोचोगे, बड़े आराम से काम कर लोगे।
आप आज चाहो तो तुरंत पाइथन का कोड लिखना शुरू कर सकते हो साइड साइड में गूगल खोल के। और जो थोड़ा सा टाइम लगता है वो फ्रेमवर्क्स को सीखने में लगता है, क्योंकि थोड़ा वहाँ उसमें भी ना आप 2-4-5 फ्रेमवर्क्स पे काम कर लोगे तो आपको ना एक्सपीरियंस हो जाएगा, यू विल बी वेरी इजली एबल टू अडेप्ट टू अ न्यू फ्रेमवर्क। बट चलो अब तुम बताओ तुम्हारी डेफिनेशन क्या है कोर लैंग्वेज की। जैसे मतलब पायथन है मेरी लैंग्वेज, मैं पायथन में जंगो भी सीख चुका हूँ, तो उस टाइम पर नॉर्ड जेएस में स्विच करना वो तो पूछ रहा। देखो मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं, पाइथन लैंग्वेज अच्छी है, जेंगो फ्रेमवर्क तो अच्छा नहीं है। जेंगो तो रिवाइव कर दिया है मशीन लर्निंग ने, वरना तो उतना मतलब वो नहीं रहा था। अब हम जरूर देख रहे हैं क्लाइंट्स भी हमसे जेंगो, क्योंकि उनको लगता है कि यार पाइथन की टीम तो वैसे ही मतलब पाइथन में ML वाला काम कर रहे हैं, तो चलो पाइथन में ही बैकएंड भी कर लेते हैं। तो अब जरूर तो उसमें थोड़ी सी जान डाल दी है वापस से MLAI ने, वरना तो मुझको तो जेंगो कभी पसंद नहीं आया। करते हैं हम जेंगो पे प्रोजेक्ट्स, लेकिन ना एनीवे बाकी तो देखो तुम्हारी चॉइस है और कुछ नहीं इतना फर्क पड़ता। तुम मतलब ठीक है तुमने जेंगो का रखा है तो तुम बैकएंड वाली क्लासेस स्किप कर देना, जेंगो तुमको ऑलरेडी आता है, तुमने रिएक्ट सीख लिया, तुम बन गए फुल स्टैक डेवलपर, अब करो कैसे भी काम। तो तुम्हारी अपनी चॉइस है, जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो, इम्पोर्टेंट ये है। जेंगो कर रहे हो तो जेंगो में अच्छे। Yes, sir. प्रियंका सर मुझे पूछना था, जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें जैसे मैंने सिर्फ अपना फुल नेम, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड वो पोस्टमैन में पोस्ट मेथड से सेंड किया, तो अब सिर्फ मैं उसमें लॉगिन कर सकती हूँ, तो सर कोई नया यूजर कैसे लॉगिन करेगा उस? साइनअप का पेज बनाएंगे ना बाद में, होमवर्क है अच्छा, तुम्हारा तो अच्छा वो जो अभी फुल नेम पोस्टमैन और से हो रहा ईमेल। है, अच्छा जो अभी पोस्टमैन से हो रहा है उसके लिए मैंने शायद तुमको बोला भी था ये करने के लिए, नहीं बोला था कि तुमको साइनअप पेज बनाना है और साइनअप वाली API भी इंटीग्रेट करनी है। अब जैसे लॉगिन वाली हुई है मोर और लेस ऐसे ही साइनअप वाली होनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम तो है नहीं। साइनअप में भी आप साइनअप करते ही तुरंत लॉगिन हो जाओगे, अगर एरर आया तो एरर दिखा दोगे, दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, या जो भी एरर आ रहा है कुछ भी एरर साइनअप करने में। तो अदरवाइज साइनअप करते ही उधर से वापस टोकन आएगा, आप टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव करके यूजर का ऑब्जेक्ट भी आएगा सेट यूजर करके, उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दोगे। मतलब आप तो सेट यूजर करोगे वो रिडायरेक्ट तो अपने आप ही जाना है। ठीक है तो साइन अप वहीं से होगा। डज दैट आंसर ठीक योर है। क्वेश्चन प्रियंका? हाँ सर मैं वही ठीक है पूछ रही थी कि नया यूजर की तो इन्फॉर्मेशन वहां पे है ही नहीं, तो वो तो इनवैलिड पासवर्ड ही आएगा ना, अभी जब तक साइन अप पेज नहीं है फंक्शनल। ठीक है सर। कुछ और पूछना है किसी को? नहीं तो फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो अभी ना ऐसा नहीं है कि हम नई 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 चीजें बनाते रहेंगे, अभी कुछ दिन क्या होगा इसी चीज को हम वही लॉगिन पेज वही साइन अप पेज वही ई कॉमर्स ऐप फिर से बनाएंगे रिडक्स की हेल्प से, टाइप स्क्रिप्ट पे मूव करेंगे उसको। तो कई बार ना लोग उससे बोर हो जाते हैं कि यार क्या है वही ऐड टू कार्ट चल रहा है वही लॉगिन चल रहा है, लेकिन एम यही है कि लॉगिन पेज बनाए हैं साइन अप पेज बनाए हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाए तो वो वर्ल्ड क्लास हो। कभी प्रोडक्ट्स में फील किया होगा ना कि एक लोकल कंपनी का प्रोडक्ट लेके आओ या किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आओ, काम दोनों सेम ही करते हैं बट फील अलग ही आती है हाथ में लेके एक अच्छे प्रोडक्ट को। आपको हाथ में लेके पता चल जाता है कि ये चलेगा और ये हमेशा चलेगा, दूसरे वाले को देख के पता चलता है कि ये ना गिनती के दिन है, इसके गिनती की सांसें हैं। तो थोड़ा सा अब बना दोनों वही रहे, अब अगर हम टॉय लेके आए बच्चे के लिए तो एक
किसी अच्छी कंपनी का एक थोड़ा सा ऐसे ही है तो फर्क पता चलता है। तो वैसे ही आप कोड ऐसा लिखो कि फर्क पता चले कि हाँ यार बंदे ने कोड बढ़िया लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा उसी पे फोकस रहेगा, तो अब जरा वापस से करना शुरू कर रहे हैं कि रिफैक्टर करते हैं कोड को थोड़ा। पहली चीज तो चलो एक बार एक नई चीज कर लेते हैं पहले, डिसमिस वाला, कि वो ऑटो डिसमिस हो जाए। स्क्रीन शेयर हो गई है? नहीं हुई। ओके, सो ऑटो डिसमिस के लिए मैं अलर्ट कंपोनेंट में गया। अलर्ट कंपोनेंट में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अलर्ट नहीं है तो रिटर्न, अगर अलर्ट है तो एक तो मैं नीचे अलर्ट दिखाऊंगा, बट साथ में मैं एक चीज और कर दे रहा हूँ, सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट क्या करता है, जैसे यहाँ पे आप एक फंक्शन देते हो, अगेन फैट एरो की हेल्प से दो, ऐसे लिखो जैसे मर्जी, और एक देते हो टाइम। टाइम मैंने इसको दे दिया, मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड बाद हट जाए, तो ये मिली सेकंड में लेता है टाइम, तो 3 सेकंड का मतलब हो गया 3000 मिली सेकंड। अक्सर हम ना इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा रीडेबल ज्यादा रहता है, 3 × 1000 तो समझ आता है, अच्छा 3 सेकंड की बात चल रही है, 3000 से भी समझ आ जाएगा, लेकिन उसमें ना जीरो गिननी पड़ती है, तो हमेशा हम ऐसे लिखते हैं × 1000, इस तरह की चीजों में आपको दिखेगा ऐसे। अगर आप मान लो 5 मिनट के बाद हटाना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे 5 × 60 × 1000, तो ना ये ह्यूमन रीडेबल ज्यादा हो जाता है कि अच्छा 5 मिनट बाद हटना है, 5 मिनट × 60 सेकेंड्स। अब आप चाहो तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख ही सकते हो, तो 300। अब दिमाग पे ज्यादा जोर डालना पड़ेगा आपको, यार ये कितना है ये, अच्छा 5 मिनट है, ओके, थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अगर आप मेरी तरह लेजी हो तो बहुत जोर आएगा। सो बेटर है, मतलब फालतू की चीज़ों में बहुत लेजी हूँ मैं, जहाँ दिमाग बचाया जा सके बचा लो, काम की चीज़ों में बहुत है लगाने के लिए। अब इतने 5 मिनट बाद ये फंक्शन रन होगा, ये वाला जो आपने सेट टाइम आउट को दिया है, जब आपने सेट टाइम आउट कॉल किया और उसको फंक्शन दिया, उसके 5 मिनट के बाद ये कॉल होगा। बट मुझे तो 5 मिनट नहीं करना, मुझे 3 सेकंड बाद करना है, और यहाँ पे मैं कोड क्या लिखने वाला हूँ, कोड में लिखने वाला हूँ रिमूव अलर्ट, क्योंकि फंक्शन 5 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद चलेगा, रिमूव अलर्ट कॉल कर देगा। अब जब मुझको रिमूव अलर्ट ही कॉल करना है तो एक फंक्शन लिखूं, फंक्शन के अंदर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं सीधा। मैंने साइड टाइम आउट को कौन सा फंक्शन दिया, नया फंक्शन बना के देने की जगह रिमूव अलर्ट दे दिया, तो 3 सेकंड बाद वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, फंक्शन को कॉल करेगा तो अलर्ट हट जाएगा। अगर यूजर उससे पहले ही हटा चुका होगा, लेकिन जरा इसमें ना चीजें हैं थोड़ी, अभी हम इसको बाद में ठीक करेंगे। इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं कि अगर किसी ने उससे पहले ही अलर्ट को डिसमिस कर दिया तो ये सेट टाइम आउट हमको कैंसिल करना चाहिए। चलो अभी दिखाता हूँ तुमको, इट विल ऑल मेक सेंस। मैंने ये किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आ गया, 3 सेकंड वेट करते हैं, लंबे हो गए 3 सेकंड भाई। ये भला क्यों हुआ होगा, लेट्स रिलोड दिस, मुझे भरोसा नहीं रहा इस पर। शांत एट द रेट कोड योगी डॉट आईओ 1 2 3 4 5 6 7। हट गया,
सही में भरोसा नहीं रहा इस पर, रिलोड ही कर लेना, कर क्या करूंगा। ठीक है, तो बात समझ आई क्या हो रहा है? 3 सेकंड बाद हट जा रहा है, लेकिन देर इज अ प्रॉब्लम इन इट। ये देखना जरा क्या प्रॉब्लम है। मैंने इस पे क्लिक किया, इसको डिसमिस कर दिया, फिर क्लिक किया, एक और दिख गया, बट ये दूसरे वाला बड़ा जल्दी हट जाएगा। बात समझिए क्यों हट रहा है दूसरे वाला? दूसरे वाला पहले वाले के सेट टाइम आउट की वजह से हट जा रहा है। मेक सेंस? आ रही है बात समझ क्या हो रहा है? पहला अलर्ट दिखा, वो 3 सेकंड बाद हटना था, अभी 2 ही सेकंड हुए थे, मैंने डिसमिस पे क्लिक कर दिया, तो वो तो 3 सेकंड बाद क्या हटेगा, वो तो पहले ही रिमूव अलर्ट की हेल्प से अलर्ट अनडिफाइंड सेट हो चुका। ये रिमूव अलर्ट क्या करता है? सेट अलर्ट अनडिफाइंड। तो जो 2 से 3 सेकंड बाद हटना था, वो मैन्युअली मैंने डिसमिस पे क्लिक करके 2 ही सेकंड बाद हटा दिया। अभी और 1 सेकंड के बाद सेट टाइम आउट कॉल होगा, वो हटे हुए को हटाने की कोशिश करेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, इससे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट नुकसान तब हो रहा है जब रिमूव अलर्ट शो हुआ, 2 सेकंड बाद मैंने डिसमिस क्लिक कर दिया और तुरंत ही लॉगिन का बटन दोबारा दबा दिया, तो एक नया अलर्ट आ गया। अब ये जो नया वाला एरर अलर्ट है, अब लॉगिन के बटन से आया, कहीं और आया, वो नया अलर्ट की लाइफ तो 3 सेकंड की जगह 1 ही सेकंड बची, क्योंकि ये सेट टाइम आउट उसको पिछले वाला, अब 2 सेट टाइम आउट लगे हुए हैं। जब जब अलर्ट कॉम्पोनेंट रेंडर होगा और ये इफ के अंदर हम जाएंगे सेट टाइम आउट, तो ये रिमूव अलर्ट रिमूव अलर्ट बेसिकली हर बार नया रिमूव अलर्ट लगे जा रहा है। तो मैं देखो तुमको यहाँ पे ना एक और चीज दिखा देता हूँ, फंक्शन कंसोल डॉट, मेरी गले स्पिनर लग जाती है बोलते बोलते और फिर दिक्कत हो जाती है पढ़ाने में। कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम आउट वाला फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं साथ में अलर्ट अलर्ट दिखा के तो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है यार। चलो एक काम करते हैं, ये जो ऑन लॉगिन बटन का जो क्लिक है ना, जिस पे एरर दिखता है, उस पे मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ साथ यहाँ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, वैल्यूज डॉट माय पासवर्ड। क्यों कर रहा हूँ? इट विल ऑल मेक सेंस इन अ बिट। अब यहाँ अलर्ट डॉट मैसेज बात तो खैर आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ गई होगी, और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रिमूव अलर्ट। मैं पहले ना कंसोल लॉग करा ले रहा हूँ, सेट टाइम आउट कॉल टू रिमूव, और फिर कौन से मैसेज को रिमूव करने के लिए आया। अब यहाँ देखना मैं क्या करूँगा। लॉगिन पे क्लिक किया, रिलोड नहीं हुआ। प्रशांत एट द रेट कोड yoki.io 1 2 3 4 5 6 7 इनवैलिड क्रेडेंशियल 1 2 3 4 5 6 7 पासवर्ड दिखा रहा है ये मेरा कि क्या गलत पासवर्ड। अब देखो मैं क्या करूँगा, इधर देखना, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, इसको डिसमिस किया यहाँ पे करके, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ये देखो बात नहीं बनी, ज़्यादा लेट कर दिया मैंने। प्रशांत एट द रेट कोड yoki.io 1 2 3 4 5 6 7 और पहले 6 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉग इन डिसमिस 7 फिर लॉग इन। मुझसे ज्यादा तेज है, इसको 5 सेकंड करता हूँ मैं। सिक्स लॉग इन डिसमिस 7 लॉग इन।
अब देखो ये जल्दी हटा है, जल्दी क्यों हटा है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहले सिक्स वाले को वाला जो सेट टाइम आउट था ना, जो पुराने वाले का सेट टाइम आउट था, जब वो ट्रिगर रन हुआ तो उसने सेवन वाला ही हटा दिया, क्योंकि सिक्स वाला तो पहले ही हट चुका था। बात समझ आ रही है? तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी मैन्युअली डिसमिस हो रहा है, एक तो ना ये हमने गलत जगह डाल रखा है, अगर ये ना किसी भी रीजन से अलर्ट कॉम्पोनेंट री रेंडर हुआ, जैसे अभी हमने क्या कर रखा है, इस पे मेमो वेमो तो लगा नहीं रखा, तो ये तो वैसे भी बहुत बार री रेंडर होगा, क्योंकि तो बहुत बार री रेंडर हुआ तो बहुत सारे सेट टाइम आउट लगते जाएंगे। तो एक तो मुझको इसको डालना चाहिए यूज इफेक्ट में, और देखो यूज इफेक्ट में आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करता हूँ मैं, मैं कह रहा हूँ मैं तब तब यूज इफेक्ट के अंदर सेट, और यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट कॉल करूंगा, सेट टाइम आउट रिमूव अलर्ट, और वो भी 3 सेकंड के बाद, लेकिन ये भी मैं कब करूँगा, इफ अलर्ट का ऑब्जेक्ट, अगर अलर्ट है तो उसको हटाने के लिए मैं कोड लिखूं, अगर अलर्ट अनडिफाइंड है ऑलरेडी तो कोड क्यों लिखना है, समझ आएगा 2 मिनट ध्यान से देखना। एक तो मैं सेट टाइम आउट तभी कर रहा हूं, ये तो मैंने नीचे लिखा हुआ था तब भी ये काम तो हो ही रहा था कि सेट टाइम आउट तभी हो रहा था जब अलर्ट था, क्योंकि पहले मैंने नीचे लिख रखा था तो वो कोड ही तब चलता था जब अलर्ट का ऑब्जेक्ट होता था, वरना हम यहीं से रिटर्न कर जाते थे। लेकिन इस बार में ऊपर लिखा है, मैंने जानबूझ के ऊपर इसलिए लिखा है कि मैं ये चाहता हूं कि ये कोड तब भी चले, ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि ये कोड तब भी चले जब अलर्ट का ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है। तब क्यों चले भाई, जब मैंने यहाँ पे इफ लगा रखा है तो उसका मतलब अलर्ट का ऑब्जेक्ट जब है नहीं तब तो मैं नहीं चलाना चाहता, जब अलर्ट का ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है, नहीं मैं चाहता हूँ चलाना, बट मैं उस टाइम चीज अलग चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर अलर्ट का ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड है तो टाइम आउट हटाना है मुझे। समझना, कॉन्स्ट टाइमर, ये जो सेट टाइम आउट है इसको आप एक फंक्शन देते हो और वो क्यू में लग जाता है कि वो 3 सेकंड बाद रन होगा, ठीक है, लेकिन सेट टाइम आउट हमें रिटर्न करता है डिसमिस टाइमर। अगर ये डिसमिस टाइमर फंक्शन मैंने पहले कॉल कर दिया, हो गया, अगर डिसमिस टाइमर फंक्शन मैंने 3 सेकंड से पहले कॉल कर दिया तो टाइमर नहीं चलेगा। समझ आई बात, सेट टाइम आउट हमको एक टाइम लगा दी, टाइमर सेट कर दिया उसने कि 3 सेकंड बाद में ये फंक्शन कॉल करूंगा, लेकिन वो हमको आउटपुट में रिटर्न में एक फंक्शन देता है कि भैया 3 सेकंड से पहले पहले तुम्हारा मूड चेंज हो जाए कि नहीं करना कॉल, तो ये फंक्शन कॉल कर देना कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तुमने किसी के नाम की सुपारी देके किसी को भेजा, वो तुम्हें फोन करके नंबर देके गया है कि भैया मैं शाम को निपटाने वाला हूँ, उससे पहले मूड चेंज हो जाए तो इस नंबर पे फोन कर देना, डिसमिस कर देना, डिसमिस टाइमर, ये उस चीज के लिए है, ठीक है, तो मूड चेंज हो जाए डिसमिस टाइमर कॉल कर दो। तो ये मुझे डिसमिस टाइमर कब कॉल करना है, अब एक नई चीज समझो, मैं इसको रिटर्न कर दे रहा हूँ यहां से। इससे क्या होगा, यूज इफेक्ट को हम एक फंक्शन देते हैं और वो फंक्शन जरूरी नहीं है कुछ रिटर्न करे, कुछ भी ना रिटर्न करे, बट अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो जो भी यूज इफेक्ट के अंदर वाला फंक्शन रिटर्न करता है उस फंक्शन को यूज इफेक्ट
अगली बार वाला फंक्शन रन करने से पहले कॉल करेगा। क्या कह गया मैं, दोबारा से समझाता हूँ। ये हम कहना चाह रहा हूं मैं कि जब जब अलर्ट चेंज होगा ये फंक्शन कॉल होगा। यही तो है यूज इफेक्ट का काम, कि जब जब डिपेंडेंसी चेंज हो तब तब अंदर वाले फंक्शन को कॉल करो। मान लो डिपेंडेंसी 5 बार चेंज हुई टोटल, पहली बार चेंज हुई पहली बार फंक्शन चला, दूसरी बार चेंज हुई फिर फंक्शन चला, तीसरी बार चेंज हुई फिर फंक्शन चला। बट जब दूसरी बार फंक्शन चला तो जो पहली बार चला था उस टाइम जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया था, फंक्शन अगर फंक्शन रिटर्न किया था उसको कॉल करने के बाद चलेगा दूसरी बार। समझ आई नहीं आई? कोशिश करते हैं। कौन मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एक्स वाई जेड कंसोल डॉट लॉग, एक्स वाई जेड कॉल्ड, और ये फंक्शन मैंने रिटर्न कर दिया, यहां से कॉल नहीं किया बस रिटर्न कर दिया। तो अब ये बात समझना, ये एक्स वाई जेड फंक्शन कहां से रिटर्न हो रहा है? इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न हो रहा है, राइट? ये वाला फंक्शन अपने अंदर एक फंक्शन बनाता है और उस फंक्शन को रिटर्न कर देता है। तो ये किसको मिलेगा, ये एक्स वाई जेड? उसको मिलेगा जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? इस फंक्शन को कॉल करेगा यूज इफेक्ट। हमने यूज इफेक्ट को दे दिया और बोल दिया भैया जब जब भी आप ये अलर्ट की वैल्यू चेंज हो, जब जब भी आपकी डिपेंडेंसी कॉल हो चेंज हो, तब तब हमारा ये फंक्शन कॉल कर देना। उसने बोला ठीक है कर दूंगा। डिपेंडेंसी चेंज हुई, उसने फंक्शन कॉल किया, कॉल किया तो एक फंक्शन तो उसने कॉल किया, प्रसाद में उसे एक फंक्शन और मिल गया, रिटर्न में एक फंक्शन और मिल गया। अब इस फंक्शन का क्या करेगा वो? इस फंक्शन को वो रखे रखेगा। जब अगली बार डिपेंडेंसी चेंज होगी और इस फंक्शन को दोबारा कॉल करने का नंबर आएगा तो वो बोलेगा यार वो पिछली बार का प्रसाद भी रखा हुआ है, अब मैं इसको दोबारा कॉल करने जा रहा हूँ, ये मुझे फिर से प्रसाद दे देगा। तो वो पहले पिछले वाले को निपटाएगा, वो पहले पिछले वाले एक्स वाई जेड को कॉल करेगा। फंक्शन है, फंक्शन का क्या यूज है कॉल करने का? तो वो पिछले वाले फंक्शन को कॉल करेगा, उसके बाद डिपेंडेंसी क्योंकि चेंज हुई है इसे फिर से कॉल करेगा। जब फिर से कॉल करेगा तो ये फिर से एक फंक्शन देगा, उस फंक्शन को फिर पकड़ के बैठ जाएगा वो, ठीक है? तो ये एक्स वाई जेड कब कब कॉल होना है? तब तब, ध्यान से समझना, तब तब जब जब पहली बार का रिटर्न अगली बार से पहले, दूसरी बार के फंक्शन से पहले, दूसरी बार जब फंक्शन रन हुआ उसका रिटर्न, तीसरी बार फंक्शन कॉल होने से पहले, ऐसे चलेगा। और आखिरी बार वाले का कॉल कब होगा? जब हमारा अलर्ट कॉम्पोनेंट दुनिया से विदा हो रहा होगा, अनमाउंट हो रहा होगा, ठीक है? देखते हैं, प्रशांत एट द रेट कोड योगी डॉट आयो 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये सेट टाइम आउट बैट टाइम आउट का तो मैं हटा ही देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया। फंक्शन बस क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट के अंदर वाला फंक्शन कॉल्ड, ठीक है? अब देखते हैं, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर कहाँ से आ गया, देखो रिलोड करते ठीक हो जाता, पता नहीं क्या चला है। प्रशांत एट द रेट कोड योगी 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा तो पासवर्ड गलत है तो अलर्ट सेट होगा, अलर्ट सेट होगा तो ये रन होगा। तो देखते हैं एक्स वाई जेड कॉल्ड, ये कौन सा एक्स वाई जेड कॉल हुआ है? जब यूज इफेक्ट, एक बार रिलोड ही करके दिखाता हूँ। देखो यूज इफेक्ट के अंदर वाला फंक्शन कॉल्ड, और फिर से एक बार यूज इफेक्ट के अंदर वाला फंक्शन कॉल्ड। ये तो क्यों हो रहा है? ये वो है जो मैं उस दिन दिखाना चाह रहा था, बट
उस दिन चल नहीं रहा था फॉर सम रीजन, डबल कॉल। तो डबल कॉल होती है। अब मैं जब भी यहाँ पे कुछ भी सेट करूंगा, प्रशांत ये देखो यहाँ पे ना एक्स वाई जेड कॉल हो रहा है। अब मैं इसको फिर डिसमिस करूंगा, तो डिसमिस करने पे पहले वो पिछले वाला एक्स वाई जेड कॉल करेगा, तब अगले वाला यूज इफेक्ट के अंदर वाला फंक्शन कॉल करेगा, ऐसे चलती है कहानी। तो मैं इसका क्या यूज करने वाला हूँ, मैं इसका ये यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिसमिस ट्रिमर कर दूंगा रिटर्न। तो अगर अलर्ट चेंज हुआ, एक अलर्ट की जगह दूसरा अलर्ट आया, तो पिछले वाले अलर्ट का, पिछले वाला अलर्ट तो दुनिया से गया, जब दुनिया से गया तो उसका डिसमिस टाइमर तो कॉल कर दो। और अगर अलर्ट से हम अनडिफाइंड पे गए, अलर्ट से अगर अनडिफाइंड पे गए तो पिछले वाले का डिसमिस टाइमर कॉल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अलर्ट इस बार अनडिफाइंड है तो इस बार तो हमने कोई सेट टाइम आउट कॉल ही नहीं करा, जब टाइम डिस्प्ले ही नहीं किया तो डिसमिस टाइमर रिटर्न क्या करना। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब वो वाली प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो जाएगी। अगर मैं इसको रिलोड करूं, मैंने लॉगिन किया, डिसमिस पे क्लिक किया, कहीं कुछ तो एरर आया। डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, डिसमिस टाइमर फंक्शन ही होता है। कंसोल ये किसी बात करते हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा, बार बार टाइप करना पड़ता है। Did I remember anything wrong? Time out. रिटर्न हुआ पता ही नहीं चल पाया मुझको। डिसमिस टाइम में तो कंसोल लॉग ही नहीं हो रहा। डिसमिस टाइमर 8 नहीं, भाई गलत याद था मुझको। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड क्लियर टाइम आउट, उसको देना पड़ेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको रिटर्न जो करना है वो करना है रिटर्न एक फंक्शन क्लियर टाइम आउट। और तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, ये फंक्शन हम रिटर्न कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल होगा और ये क्या करेगा, क्लियर टाइम आउट कर देगा इस पहले टाइम आउट को। पता नहीं क्या आया था। अब क्या हो गया भाई, लॉगिन। और अब अगर मैं डिसमिस करता हूँ, या फिर देखो लॉगिन डिसमिस फिर से लॉगिन, वो पूरा अपने टाइम पे जाएगा। तो चीज़ हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है।
समझ आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो बाद में देख लेना, सोच लेना, ठीक है। और जब भी नया अलर्ट डिस्प्ले हो, मान लो अलर्ट के जस्ट बाद अलर्ट डिस्प्ले हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ भी चेंज हुई, हमने मैसेज ही बस चेंज कर दिया, अलर्ट वहीं का वहीं है, तो भी ये क्या करेगा, पिछले वाले को का टाइम आउट हटा ही देगा, नया वाला बिल्कुल ठीक काम करेगा ये, थोड़ा सोच लेना बाद में। एक तो ये हो गया। अब अगली चीज़ जो हम करते हैं वो ये कर लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। इस तरह की चीज़ें कैसे करोगे, विद अलर्ट विद यूज़र। तो ये ना कुछ खास तो कर नहीं रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, विद यूजर में और विद अलर्ट में। ये क्या कर रहे हैं, इनकमिंग कंपोनेंट ले रहे हैं, प्रॉप ले रहे हैं, एक यूजर कंटेक्स्ट या अलर्ट कंटेक्स्ट में से कुछ निकाला, जो भी निकाला वो इधर पास कर दिया। तो पहली चीज तो इधर से जो प्रॉप आई वो हमने डॉट 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 कर दी, और फिर तो यहां से हमको ये भी कर लेना चाहिए ना, डॉट कंटेक्स्ट डेटा, वो कंटेक्स्ट डेटा भी मैं यहाँ डॉट 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 ही कर देता हूँ। यूजर निकाला, यूजर की में डाला, सेट यूजर निकाला, सेट यूजर की में डाला, फिर निकाला ही, उसको ऐसे ही कर दो ना, डॉट 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 कंटेक्स्ट डेटा। यही काम मैंने यहाँ भी कर दिया, तो थोड़ा सा और ये कंपोनेंट एक दूसरे के क्लोज आ गया है, कंटेक्स्ट डेटा ये सब मैंने हटाया, ठीक है। तो अब देखें, तो अब इन दोनों में क्या क्या फर्क बचा, एक तो नाम का फर्क बचा, विद यूजर, एक यूजर कंटेक्स्ट, बस ये दो चीजें चेंज कर हैं इन दोनों में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विद प्रोवाइडर डॉट JSX एक नया बना लिया, ये विद अलर्ट का ही सारा कोड मैं उसमें डाल देता हूँ। विद अलर्ट में विद प्रोवाइडर इसका नाम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, विद प्रोवाइडर ये HOC ना होके HOC क्रिएटर बनाएंगे हम, ठीक है। तो समझना, ये और एक लेवल ऊपर जाएगा। तो ये देखो ये क्या करेगा, फंक्शन इट विल ऑल मेक सेंस ना बेटा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल HOC जो है वो तो विद प्रोवाइडर को कॉल करने पे आपको मिलेगा। पहले तो हम सीधे HOC बना रहे थे, ये समझ लेना थोड़ा सा, तब मैंने विद प्रोवाइडर बनाया। क्यों बनाया है ये, यहाँ पे प्रोवाइडर नेम लेगा पैरामीटर में, और वो प्रोवाइडर नेम यहाँ पे पास करेगा, प्रोवाइडर नेम बोल लो या सिर्फ प्रोवाइडर बोल लो, जो भी आप इसको बोलना चाहो, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या होगा, अगर मान लो मैंने विद प्रोवाइडर को, मैं विद प्रोवाइडर को मान लो मैंने दिया यूजर कंटेक्स्ट, तो यूज कंटेक्स्ट में जाएगा यूजर कंटेक्स्ट, तो ये विद प्रोवाइडर क्या करेगा, ये HOC फंक्शन बना के रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो विद प्रोवाइडर खुद HOC नहीं है, विद प्रोवाइडर को प्रोवाइडर का नाम दे के कॉल करो तो ये एक HOC रिटर्न करता है, और HOC को फिर आप कंपोनेंट दो तो HOC तो कंपोनेंट लेके कंपोनेंट रिटर्न करता है। जिसको समझ आ रहा है वो लाखों रुपए महीना की नौकरी की तरफ बढ़ रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो बाद में समझ ले तो तब बढ़ जाएगा। चलो एक काम करना, क्लास क्लास में मुझको 8 बज गए भाई, चलो जल्दी से बताता हूँ फिर मैं, 5-10 मिनट क्लास ओवर जाएगी, बट बी विद मी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां पे मैं विद यूजर यूज कर रहा था या विद अलर्ट यूज कर रहा था, जैसे विद अलर्ट जहां यूज कर रखा था वहां करके दिखाता हूँ, ये अलर्ट डॉट JSX
अलर्ट डॉट जे एस एक्स को मैंने यहाँ पे विद अलर्ट दे रखा है। अब मैं इसको विद अलर्ट ना देके विद प्रोवाइडर में मैंने पास कर दिया इसको यूजर अलर्ट कंटेक्स्ट। तो विद प्रोवाइडर में अलर्ट कंटेक्स्ट पास करो तो ये मुझको एक एचओसी देता है जो कि बिल्कुल विद अलर्ट एचओसी के जैसा है, लेकिन मुझको बार बार लिखना नहीं पड़ता विद प्रोवाइडर अलर्ट कंटेक्स्ट, विद प्रोवाइडर फलाना कंटेक्स्ट। तो जितने कंटेक्स्ट आप बनाओगे सबका एचओसी आपके पास विद प्रोवाइडर की हेल्प से आ जाएगा, तो आपको अलग अलग एचओसी नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, विद अलर्ट मैंने हटा दिया, विद अलर्ट हटा के इसको करो रिलोड जरा और अब जरा चला के देखते हैं। कैन नॉट एक्सेस अलर्ट कंटेक्स्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, अलर्ट कंटेक्स्ट ये क्यों आ रहा है, भाई अलर्ट कंटेक्स्ट ऑफ तो नहीं सुन रखा है इसमें विद प्रोवाइडर ने इंपोर्ट किया क्या, विद प्रोवाइडर भी इंपोर्ट कर लिया, विद प्रोवाइडर को मैंने दिया प्रोवाइडर, उसने रिटर्न किया एचओसी। उसको हम बड़ा सिंटेक्स को ना सिंप्लीफाई भी करेंगे फर्दर फैट एरो की हेल्प से, वो तो एक अलग टॉपिक है खैर, बट इसमें क्यों एरर आ रहा है ये मुझको लग रहा है साइक्लिक इंपोर्ट एक चीज होती है वो है, उसका भी मैं तुमको सोल्यूशन बताता हूँ। मैं एक बार एनपीएम रन ड्रॉप कर लूँ, अभी ये वैसे ही हो रहा हूँ। एक काम करते हैं एक्सपोर्ट const with alert equal to with provider alert context और हाँ हो रहा है, ये क्या है, ये मैं तुमको मैंने यहाँ कर दिया एप डॉट जे एस एक्स में इम्पोर्ट अलर्ट कॉन्टेक्स्ट और यूजर कॉन्टेक्स्ट कर लिया, और अब मैंने कहीं और जहां इंपोर्ट कर रखा था वहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट यूजर में भी। क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, अभी मैंने ना बस उनको कुछ नहीं किया है, ऐप कंपोनेंट्स उठा के कंटेक्स्ट अलग डाल दिए,
अलर्ट विद प्रोवाइडर, एंड वो तो कहीं नहीं होगा, क्रिएट कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, इम्पोर्ट बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बट HOC क्रिएटर यूज कर रहे हैं हम। अब मैं तुमको ये अलग क्यों मूव करना पड़ा, ये इंपोर्ट का ऑर्डर और कुछ कहानी है, ये मैं तुमको अगली क्लास में समझाता हूँ बिकॉज टाइम नहीं बचा। ये बेसिकली बस ये हो रहा था, मैं तुमको जल्दी से क्विक बता देता हूँ। ये अलर्ट कंटेक्स्ट यूजर कंटेक्स्ट अलर्ट इम्पोर्ट के बाद थे, और अलर्ट में हमने अलर्ट पहले यूज किया तो वो पहले बंडल हो रही है, उसमें ये यूज हो रखा है, बट यूज तो पहले भी हो रखा था, फिर कैसे चल जा रहा था वो? एक्चुअली इंपोर्ट के टाइम नहीं चल रहा था, वो कॉल होते टाइम चल रहा था, वो अंदर यूज हो रखा था। इस बार हमने HOC में यूज किया, कुछ चीजें हुई, मैं तुमको समझाऊंगा इसका, इस ऑर्डर से फर्क पड़ा है। तो क्यों फर्क पड़ रहा है ये अगली क्लास में ढंग से समझ आएगा, क्योंकि इसमें लगेंगे 10 मिनट 15 मिनट। बट अभी देखो मैंने क्या किया है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैसे भी कर लो। तो देखो दो तरीके हो गए इसको करने के, एंड देन वी आर रैपिंग अप द क्लास। मैंने क्या किया, जहां जहां मैंने कंटेक्स्ट यूज कर रखा था, ये विद अलर्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, विद प्रोवाइडर अलर्ट कंटेक्स्ट विद प्रोवाइडर, तो आप ये तो डिफॉल्ट इंपोर्ट है, सॉरी, विद प्रोवाइडर इंपोर्ट करो और साथ में कंटेक्स्ट का नाम दो कि कौन सा यूज करना है, एंड यू आर गुड टू गो। ये क्लास निकल जाती है, यूजर नेम पासवर्ड ये टाइप करना है, ठीक है? तो ये काम कर रहा है जैसा काम करता था नॉर्मल, लेकिन हम इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। तो एक तो मुझे अभी इन HOCs की जरूरत नहीं है, मैं इनको वो कर दूंगा, बट मैं बार बार विद प्रोवाइडर अलर्ट कंटेक्स्ट ये भी लिखने से बच जाऊं, मैं विद प्रोवाइडर में ही, पहले तो मैंने ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो कर ही लिया, और इसी में मैंने ना अलर्ट अलग अलग विद अलर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नेम्ड एक्सपोर्ट कर लिए विद यूजर, विद यूजर में बस यहाँ यूजर कंटेक्स्ट डाल दिया। तो बेसिकली जो कोड आपको पहले इतना लिख के मिल रहा था विद अलर्ट विद यूजर, अगला कंटेक्स्ट बनाओगे तो उसका भी विद प्रोवाइडर, तो आपको, क्योंकि अब हो सकता है विद यूजर आपको बहुत सारी जगह यूज करना पड़ रहा हो, या विद अलर्ट बहुत सारी जगह यूज करना पड़ रहा हो, तो आप सारी जगह ना इससे भी बचना चाहोगे, विद प्रोवाइडर फिर अलर्ट कंटेक्स्ट, ये अलग फाइल से इम्पोर्ट होगा, ये अलग फाइल से इम्पोर्ट होगा, फिर इनको ऐसे लिखोगे भी, इससे अच्छा अब हमने ना विद अलर्ट बना लिया। और ये हम विद अलर्ट बस यूज करते हैं, अलर्ट कंटेक्स्ट को इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही विद यूजर भी बना लिया। तो अब हमारे पास दो विद अलर्ट है, एक जो हमने पूरा कोड लिख के बनाया था और एक हमने HOC क्रिएटर की हेल्प से बनाया है। तो HOC क्रिएटर की हेल्प से जो बनाया है वो रखेंगे विद अलर्ट और विद यूजर फाइल को डिलीट कर देंगे। ये विद प्रोवाइडर ही सारे प्रोवाइडर के अलर्ट्स, और साथ में ये विद प्रोवाइडर भी दे रहा है डिफॉल्ट, अगर आपको ये चाहिए तो। इस कोड को ना मैं अगली क्लास में तुमको दिखाऊंगा कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो बीच बीच में ना वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, क्लैरिफिकेशन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, कोड रीडेबल हो गया नए लोगों के लिए। अदरवाइज क्या करो, इसको नाम देने की जरूरत ही क्या है, इसको सीधा रिटर्न करो ना यहाँ से। मैं तुमको करके दिखा देता हूँ, सोच लेना 2 मिनट दे ही दो, 8-9 है, 8-15 तक क्लास खत्म हो जाएगी, समझ आई? मैंने उसको वहीं का वहीं रिटर्न कर दिया, फंक्शन का नाम ही नहीं दिया, सीधा रिटर्न, सेम काम मैंने यहाँ कर लिया। आउट गोइंग कॉम्पोनेंट बना रहे हो फिर रिटर्न आउट गोइंग लिख रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, सीधा यहीं पर रिटर्न लिखो। ठीक, कुछ सिंप्लीफाई हुआ। फिर दूसरी चीज तुम देखोगे, ये अंदर वाला फंक्शन तो फिर भी 2 लाइन का कोड है, 3 फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन तो फिर भी 3 लाइन का, 2 लाइन का कोड है, ये बाहर वाला
ये तो बस एक लाइन का कोड है, एक रिटर्न स्टेटमेंट है, वो बड़ी सी रिटर्न स्टेटमेंट है, इसलिए बहुत लंबा कोड लग रहा है। बट तुम सोचो तो ये फंक्शन में सिर्फ एक लाइन का कोड है, रिटर्न समथिंग। बाहर वाले में भी क्या है, रिटर्न समथिंग, एक एक लाइन का कोड है। जब इनमें एक एक लाइन का कोड है तो इनको ऐसे क्यों लिख रहे हो? इनको तो ऐसे लिखो ना, कॉन्स्ट विद प्रोवाइडर इक्वल टू फैट एरो। और जब फैट एरो लिखोगे और आपको सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, तो ये कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं, इस कर्ली ब्रेस की जरूरत नहीं, और इस रिटर्न की जरूरत नहीं। एक लाइन का कोड है तो आपने फैट एरो के बाद फंक्शन लिखा, वो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी फंक्शन क्यों लिखना, ये भी तो एक ही लाइन का कोड है, इसको भी मैंने हटाया, इसको तो कॉन्स्ट इक्वल टू भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे कोई नाम तो हम दे ही नहीं रहे। ये कर्ली ब्रेस भी हटाओ, ये कर्ली ब्रेस भी हटाओ, और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी हटाओ, तो और छोटा हो गया। और फिर इसको भी नाम देने की क्या जरूरत है, जब ये रिटर्न करिए तो पहले नाम हटा देना चाहिए था, अब हटा दिया, चलो ये भी हटाओ। प्रोवाइडर फैट एरो इनकमिंग कंपोनेंट फैट एरो प्रॉप्स, ऐसे करके कोड इतना छोटा हो गया। अब इसको बाद में जाके देख लेना, समझ लेना, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं करिंग, CURRYING। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही काफी है। जाके सोच लेना ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन है जो प्रोवाइडर ले रहा है और पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और वो फंक्शन कैसा है, वो एक एचओसी है, वो इनकमिंग कंपोनेंट लेता है और एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है, और वो दूसरा फंक्शन कैसा है, वो कंपोनेंट है, वो प्रॉप लेके एचटीएमएल रिटर्न करता है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बट हमने बड़ा कंसाइज फॉर्मेट में लिखा है। ये है फैट एरो फंक्शन की पावर। जब इस तरह का कोड लिख रहे होते हैं ना, तो बड़ा छोटा हो जाता है ये काम। ठीक है, तो आपको ये, आपने पहले तो एचओसी भी बनाना है और एचओसी क्रिएटर भी बनाना है, और अगली क्लास में हम फिर दो एचओसी बनाएंगे, एचओसी नहीं, थोड़ा सा कुछ और चीज बनाएंगे मंडे की क्लास में। ठीक है, तो प्रोफेशनल तरीके से कोड लिखना सीखना है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। और लास्ट में जाता जाता मैं बस 2 मिनट में ये और बोलना चाह रहा हूँ कि आपने ना कोर्स का रोड मैप तो पूछ लिया, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रोड मैप, कि आप क्या करने वाले हो। तो आपको ना 6 महीने में, अगले 2-3 महीने का तो कोर्स, उसके बाद 2-3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस, आपको ऐसा डेवलपर बनना है। अगर आपने कोर्स एक्चुअली अच्छे से फॉलो किया और उसके बाद के जो इंस्ट्रक्शन है, तो तुम ना 5-6 महीने में अपने आपको ऐसे सिचुएशन में पाओगे कि अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे ना, तुमको लगेगा कि यार इन्होंने 4 साल बीटेक करी, इन्होंने बीटेक में किया क्या ऑनेस्टली। तो क्योंकि डेवलपमेंट का काफी, और आपको ना ऐसा नहीं आप सिर्फ रिएक्ट सीख रहे हो, आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, कोड कैसे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, कोडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, वो सब चीजें हो रही है। तो आपको फिर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब या इंटर्न पकड़नी है, बेस्ड ऑन आप कॉलेज में हो अभी या आप अभी पास आउट हो चुके हो। कॉलेज में हो तो नौकरी तो नहीं कर सकते, इंटर्न शुरू करो। ठीक है, तो बस वो टारगेट रख के चलना, और मुश्किल भी लगे तब भी एफर्ट्स मारते रहना। जाने से पहले किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ ललित, सर वो जो हमने 2 कंटेक्स्ट बनाए थे सर, उनकी जगह अगर हम एक ही कंटेक्स्ट बनाएं और सर उसी में अलग अलग वो डालते रहे डाटा। नहीं है वो अच्छा आइडिया नहीं है, वो अच्छा आइडिया नहीं है, वो अच्छा आइडिया ना मल्टीपल रीजन से नहीं है। एक तो अननेसेसरी रेंडरिंग्स कॉस्ट करेगा, ठीक है, और फिर तुम वो डेटा मैनेजमेंट ना और उल्टा मुश्किल होता जाता है, कि तुमने ना उसी ऑब्जेक्ट में एक ही में ये, एक ही में वो, एक ही में कुछ और कहानी कर रखी है। ये हम करेंगे रिडक्स में करेंगे, सारा का सारा डेटा एक ही ऑब्जेक्ट में रहेगा, ये मल्टीपल नहीं बनाएंगे। लेकिन वहां पर उसके लिए हमने ना पहले से इंतजाम कर रखे हैं कि वो कैसे सिंप्लीफाइड रहे, तो रिडक्स में हम यही करने वाले हैं, लेकिन कंटेक्स्ट में इट गेट्स कॉम्प्लेक्स। आपने कुछ छोटा सा चेंज किया, अब किसी कंपोनेंट को उस डेटा की जरूरत है, किसी कंपोनेंट को उस डेटा की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कंटेक्स्ट में कुछ और डेटा है, किसी कंपोनेंट को उसकी जरूरत है, तो फिर देन यू हैव टू लाइक अकॉर्डिंगली
पुट थिंग्स कि भाई वही रेंडर हो जिसको जरूरत है, वरना अगर आपने यूज कंटेक्स्ट कर रखा है, मान लो हुक यूज कर रखा है, तो उसको थोड़ी ना पता है बाद में डिस्ट्रक्चर करके क्या निकालने वाले हो क्या नहीं निकालने वाले। आप कंटेक्स्ट यूज कर रहे हो, कंटेक्स्ट में चेंज हुआ, वो आपके कंपोनेंट को रीरेंडर कर देगा। तो अगर एक ही कंटेक्स्ट बना लिया, सारा डेटा उसमें है, तो बस आपकी ऐप रीरेंडर ही होती रहेगी। उसके हैं तरीके उससे बचने के लिए भी, आप कर सकते हो, लेकिन फिर इंतजाम करना पड़ेगा ना, बेकार की मेहनत बढ़ेगी। और ये मल्टीपल प्रोवाइडर्स को हम काफी सिंप्लीफाई कर लेंगे अगली क्लास में, कि वो मल्टीपल टैग जो इतना लिखना पड़ रहा है उससे आपको उतना पेन ना फील हो। विल सी टू इट। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो मिलेंगे मंडे को। होमवर्क सुन लो, होमवर्क है ये अलर्ट वाला सेटअप आपको भी करना है। डिजाइन आप अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हो। आप कॉपी पेस्ट मत करना, आपको जितना लिखोगे उतना सब चीजों की प्रैक्टिस होगी। जो डिजाइन था सेम डिजाइन ही बनाने के बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, नहीं तुम वो डिजाइन बनाओ जो वहां दिखता है, क्योंकि आपकी ना फिर पूरी की पूरी ट्राई कैजुअल्स पे आपका पूरा का पूरा ना डिजाइन एक जैसा सही हो जाएगा तो ठीक रहेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, नहीं इनका तो देखो व्यू कार्ट है, यहाँ पे डिसमिस का बटन बना दो ऐसा भी, या चलो देख लेना बना लो उसमें ना, इनका एरर का पॉपअप कैसा दिखता है अपने को पता नहीं है, देखना ही पड़ेगा। ये तो एरर का पॉपअप नहीं है, थोड़ा अलग है। चलो तो ठीक है, तुमको ना होमवर्क यही है कि तुम्हारा ना साइनअप का फॉर्म वर्किंग हो, लॉग इन साइनअप आपकी ऐप में हो रहा हो तो पिछली बार का ही होमवर्क था, और वही लॉग इन करने पे ही आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट और प्रोडक्ट डिटेल पेज और कार्ट पेज दिख रहा हो, बिना लॉग इन करे ना दिख रहा हो। अभी अभी करना है, बाद में हम बनाएंगे उनको पब्लिक। कुछ दूसरे पेज होंगे ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह, उनको बनाएंगे प्राइवेट, लेकिन जब तक वो पेज नहीं बनाते तब तक यही तो सीखो ना कि प्राइवेट बनाते कैसे हैं किसी पेज को कि बिना लॉग इन के ना दिखे। तो अभी इस सारे पेजेस को इनको आपको प्राइवेट बनाना है, लॉग इन काम करना चाहिए, साइनअप काम करना चाहिए, लॉगिन या साइन अप में कुछ भी हो तो ऊपर अलर्ट दिखना चाहिए, और लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए तो उसके केस में सक्सेस का अलर्ट भी दिखना चाहिए। वैसे लॉगिन के केस में हम कभी सक्सेस का अलर्ट दिखाते नहीं, क्योंकि लॉगिन हो जाएगा तो यूजर को खुद ही पता चल जाना है, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में ज्यादातर वेबसाइट दिखाती नहीं है, बट जैसे प्रोफाइल आपने सेव करी, एडिट प्रोफाइल पे गए मान लो लॉगिन वॉगिन करके, कहीं ना कहीं एडिट प्रोफाइल भी हो गई, हर ऐप में होती है, उस पर जाओगे प्रोफाइल एडिट करके सेव करोगे तब जरूर सक्सेस का आता है, ताकि क्योंकि यूजर रहना तो वहीं का वहीं है, फॉर्म खुला रहेगा तो उसको फीडबैक तो मिले हाँ भाई हो गया है सेव, तो वहां पे सक्सेस वाला भी आता है। तो अभी आप लॉगिन पे भी लगा दो कि लॉगिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो रिडायरेक्ट तो करें ही करें, साथ में एक सक्सेस का अलर्ट भी दिखाएं, फिर यूजर उसको बाद में कर लेगा डिसमिस, या वो 5 सेकंड बाद खुद ही डिसमिस हो जाएगा। और उसके अलावा जिन लोगों के पास टाइम बचे वो एक चीज और करके देखें, वॉट इफ हम एक साथ मल्टीपल अलर्ट्स दिखाना चाहते हैं। अगर मैंने एक बार किया सेट अलर्ट तो दिख गया, फिर एक बार और सेट अलर्ट कॉल किया तो एक और दिख गया। मान लो अगर मैं लॉगिन का बटन 3 बार प्रेस कर दूं, देखना जरा, अभी क्या होगा, मैंने लॉगिन का बटन एक बार प्रेस किया एरर आया, अब मैं फिर से प्रेस करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही एरर की जगह दूसरा एरर दिख जाएगा मुझको, बट मतलब दो डबल एरर नहीं दिखेंगे। वो वाला अलर्ट पुराने वाला अलर्ट की जगह नया अलर्ट, मतलब 3 सेकंड आखिरी बार जब मैंने लॉगिन प्रेस किया उसके 3 सेकंड तक दिखेगा अलर्ट। अगर मैंने मैसेज कुछ चेंज किया होता, 6 7 की जगह 6 कर दिया होता, तो देखो यहाँ पे अभी 6 7 दिख रहा है, अब मैंने उसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 6 हो गया, तो इसका मतलब एरर मैसेज तो चेंज, बट मैंने जब अगला एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहा तो वो पिछले एरर मैसेज की जगह आ रहा है, क्योंकि एक ही अलर्ट है। मैं ये चाहता हूँ मैं 3 बार क्लिक करूं और मान लो अलग अलग मैसेज के साथ करूं या सेम भी मैसेज के साथ करूं, 3 अलर्ट दिखें, भले चाहे सेम मैसेज ही दिख कर रहा हूं मैं, एक के नीचे एक, तीनों में से जिस पे डिसमिस क्लिक करूं वो डिसमिस हो, वरना तो जिस जिसका समय पूरा होता जाए वो हटता जाए हटता जाए हटता जाए। एक अब आया, एक उसके 2 सेकंड बाद आया, मान लो एक मैंने अब क्लिक किया, 2 सेकंड बाद एक बार फिर क्लिक किया, तो पहले वाला पहले हट जाएगा, दूसरे वाला 2 सेकंड बाद हटेगा। इसके लिए आपको ना एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा अलर्ट
लिस्ट कंपोनेंट और एक अलर्ट कंपोनेंट। अलर्ट लिस्ट कंपोनेंट में आपको ना हर अलर्ट को एक आईडी देनी पड़ेगी ताकि आपको पता हो कि कौन से वाला अलर्ट अभी फिलहाल डिसमिस हुआ है। जिसका डिसमिस क्लिक हुआ वो वाला उसमें से हटा दो, और या फिर जिसका सेट टाइम और कॉल हुआ वो हटा, तो करने की कोशिश करना। इट विल मैं क्लास में कराऊंगा अगली, बट तब तक झकमारी तो करो। अच्छा वो है झकमारी के लिए कि कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, बट सबसे बाद में, पहले जो बाकी होमवर्क मैंने दिया है वो करना है। टाइम बचे तो करना, नहीं बचे तो मत करना। मम्मी आने दो, आने दो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को।